चलो वी विल स्टार्ट। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। सो इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, बट आई टोल्ड यू वी आर इन अ कैपिटल गेन चैप्टर एंड कैपिटल गेन चैप्टर इज द चैप्टर ऑफ एक्सेप्शन। लर्निंग द लॉ इज वेरी इजी एंड यू नो लॉ डजंट टेक मच टाइम एंड टोल ऑन योर एनर्जी, बट जस्ट एक्सेप्शन टू द लॉ टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे इज नॉट एक्चुअली द ट्रांसफर। वॉट इज ट्रांसफर इज रिटन इन इंक्लूसिव मैनर। समथिंग विच इज रिटन इन इंक्लूसिव मैनर यू डोंट हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। यू नो दैट इट अप्लाइज यू नो वेन एवर द डेफिनेशन इज इन इंक्लूसिव मैनर द इंटरप्रिटेशन रूल इज अ रूल ऑफ यू नो रीजनल इंटरप्रिटेशन। वी डोंट हैव टू फॉलो लिटरालेजिस। लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो नहीं करना है, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन फॉलो करना है। विच मीन्स ओके वॉट एवर इज गिवन हियर इज अ जस्ट द इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, सम मोर आइटम मे कम। टेक्निकली फॉर माई रैशनल अंडरस्टैंडिंग वेन एवर असेसिव ओन्स एनी असेट एंड दिस असेट और द टाइटल ऑफ द असेट और द पजेशन ऑफ द असेट इज ट्रांसफर टू सम अदर पर्सन और जस्ट ट्रांसफर्ड, ही डजंट ओन इट एनी मोर। ओके, ही हैज जस्ट गिवन हिज ओनरशिप, that is transfer. So there are various ways of transfer and that definition I'm showing you from the book. Okay, transfer is defined under clause 247, section 2, clause 47 of Income Tax Act. Section 247 contains inclusive definition of term transfer. Accordingly, transfer in relation to capital asset includes following type of transaction. तो सेल तो कॉमन सेंस वाला है, ओके, वेरी कॉमन सेंस। सेल मीन्स यू हैव टेकन द कंसिडरेशन, गिवन द टाइटल एंड पोजिशन टू द अपोजिट पार्टी, दैट इज सेल। एक्सचेंज यू हैव नॉट टेकन मनी एज अ कंसिडरेशन, यू हैव टेकन सम असेट इन एक्सचेंज ऑफ असेट एंड दैट्स अ रीजन स्टिल इट इज अ ट्रांसफर। रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट दैट मीन्स यू हैड एन असेट, राइट नाउ यू डोंट हैव असेट, स्टिल इट इज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन। देयर इन मतलब असेट, कैपिटल असेट। देयर इन का मतलब होता है कैपिटल असेट, ठीक है ना। तो एक्सटिंग्विशमेंट मतलब खत्म कर देना। इसका एग्जाम्पल दे सकता है कोई मुझे? मैंने कल आपको दिया था इफ यू रिमेम्बर। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन द कैपिटल असेट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नहीं, कंपल्सरी एक्विजिशन तो आगे है, हियर इट इज बायबैक। बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स पे आपका शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयर्स परचेस करेगी कंपनी एंड देन दे विल डिस्ट्रॉय द शेयर। ओके, नेक्स्ट कंपल्सरी एक्विजिशन। तो यहां पे जो ऊपर के जो आइटम थे देवर वॉलेंट्री ट्रांजेक्शन। वॉलेंट्री मीन्स यू हैड अ चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और यू डोंट वॉन्ट टू डू इट। पॉइंट नंबर थ्री में यू डोंट हैव अ चॉइस, इट इज जस्ट कंपल्सरी एक्विजिशन। वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट दे हैव गिवन हियर इज, ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट दे हैव गिवन हियर इज एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो आपकी कोई एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन गवर्नमेंट कर रहा है एंड यू विल गेट मनी, यू विल गेट मनी। देयर मेड बी सम कंसेशन ऑल्सो, टैक्स कंसेशन ऑल्सो, बट या दिस इज अ ट्रांसफर, इट वुड बिकम टैक्सेबल। द ओनर ऑफ द कैपिटल असेट मे कन्वर्ट सम ऑफ सेम इन टू द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई हिम, सच कन्वर्जन इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। तो ये कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इन टू स्टॉक इन ट्रेड होता है, और इसका अपोजिट वर्जन कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन टू कैपिटल असेट विल बी स्टडीड इन पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में उसका अपोजिट होता है। तो विल सी दैट हाउ हाउ इट हैज टू बी टेकन केयर। वेयर एन इन्वेस्टर इन शेयर starts a business of dealing in shares and treat the existing investment as a stock in trade. तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि आपके पास बहुत सारे शेयर्स पड़े थे, बाद में आपने स्टॉक ब्रोकिंग का ही बिजनेस चालू किया एंड वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैड यू ब्रॉट इट एज अ कैपिटल असेट। अब इसमें कोई अलग से आपको काम नहीं करना है, ओके, ओनली आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन था ना, आपके बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा? यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी केमिकल एंड कन्वर्ट कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपके बैलेंस शीट में असेट का इन्वेस्टमेंट में ओनली दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो क्लासिफिकेशन चेंज होता है, जस्ट चेंज इन क्लासिफिकेशन है, और आप जनरलाइज कर सकते हो ट्रांजेक्शन स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
एंड वी आर गोइंग टू टॉक लॉट अबाउट दिस इन कमिंग स्लाइड. सो इसको थोड़ा पेंडिंग ही रख दो कि तो आप अच्छा है. लेकिन कन्वर्जन है, यस इट इज अ डीम ट्रांसफर, इट्स नॉट एक्चुअल ट्रांसफर. आपने किसी को बाहर वाले को आपने सेल नहीं किया है. मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड और एनी बॉन्ड फॉर दैट मैटर इज अ कैपिटल असेट. पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको मैंने बताया था, ये टोपा में आता है. टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट का एक एग्जाम्पल है, जहां पे मैंने आपको बताया था एक प्लानिंग हुआ करती थी. देर वॉज अ प्लानिंग जहां पे लोग क्या नहीं करते थे, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करते थे. पजेशन ले लेते थे, पैसे पूरा दे देते थे, लेकिन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं करते थे. दिस वॉज वन ऑफ द वे ऑफ इवेडिंग द टैक्सेस, कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रांजेक्शन हुआ है. नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग हैज बीन टेकन केयर हियर. ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए. ए इंटर्स इनटू अग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी, तो अग्रीमेंट हो चुका है. ओके, द परचेसर गिव्स द एंटायर सेल कंसिडरेशन टू ए, पैसे भी पूरे मिल चुके हैं. ए हैंड्स ओवर द कंप्लीट राइट ऑफ द पजेशन टू परचेसर सिंस ही हैज रिसीव्ड द एंटायर कंसिडरेशन, पूरा पजेशन भी जा चुका है. तुम्हारे एक एंगल से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? ट्रांसफर हो गया ना, लेकिन अभी तक तो वो लोग ने रजिस्ट्री नहीं किया है. ठीक है ना, अभी तक तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि रजिस्ट्री नहीं किया है. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अबाउट ट्रांजेक्शन इज कंसिडर एज अ ट्रांसफर. ठीक है ना, अभी तक लीगल रिकॉर्ड नहीं हो गए. मैंने बताया ना वो 7-12 वगैरह में वो सब में नाम नहीं चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम उसको ट्रांसफर मान के चलेंगे. खाली रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, मतलब सब्सटेंस में ट्रांजेक्शन हो चुका है, ओनली फॉर्म में आपने बचा के रखा हुआ है कि आपका लास्ट जो एक्टिविटी होता है वो रजिस्ट्री का होता है. दैट मच यू हैव केप्ट पेंडिंग. लास्टली उन्होंने बोला, देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच हैव इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. कुछ भी करके अगर आपने मेरी इमोबल प्रॉपर्टी आपको एंजॉय करने के लिए दे दी, तो भैया उसको भी ट्रांसफर मानते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी का दिया है, कि जब कोई भी पर्सन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में घर परचेस करता है, तो जो घर या जमीन होती है उसके नाम पे नहीं होती, लेकिन फिर भी उसका ही घर होता है जो पर्सन ने परचेस किया हुआ, भले सोसाइटी के नाम पे बिल्डिंग हो, जमीन हो. ठीक है ना, या कन्वेंस डीड साइन हुआ हो, नहीं हुआ हो, फिर भी अगर आपके पास अगर सोसाइटी में रहने के राइट से आप मेंबर बन चुके हो, आपने कंसिडरेशन देके घर खरीदा है, तो यू आर द ओनर. 7-12-25 साल की बात हुआ तो अभी इधर पार्ट परफॉर्मेंस में आएगा. 25 साल का कभी नहीं हुआ तभी भी आएगा ना, यहाँ पे तो अग्रीमेंट पे ही है. यश, यहाँ पे हम तो बोल ही नहीं रहे ना कि आप रजिस्टर्ड करो तो ही हम क्या ट्रांसफर मानेंगे. आप तो बोल रहे 25 साल के बाद हुआ तो होगा, मैं बता रहा हूँ हुआ ही नहीं तभी भी आएगा, तभी भी ट्रांसफर है ना. ओके, देखो इन्होंने पहला इलस्ट्रेशन पूछा है. अभी देखो 3 दिन हो गए मैं आपको कैपिटल गेन पढ़ा रहा हूं. पहला इलस्ट्रेशन, ये सोसाइटी में आप मेंबर बन चुके हो. देखो ना, पर्सन मे बिकम अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच मे बी द बिल्डिंग और हाउस ऑफ द फ्लैट. तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर कैसे बनते हो, घर खरीद के? तो यह परचेज द प्रॉपर्टी, क्या आप इस बिल्डिंग के ओनर हो, क्या आप इस लैंड के ओनर हो, क्या आपके पास कन्वेंस डीड है? कन्वेंस डीड मतलब आप ओनर हो इसके, डीड साइन नहीं हुआ है. क्या जमीन आपकी है? नहीं है. घर तो आपका है ना, आपने तो कंसिडरेशन पूरा का पूरा दे दिया है सोसाइटी, और सोसाइटी ने पजेशन भी आपको हैंड ओवर कर दिया है. ठीक है ना, मतलब वही ऊपर वाला ही बात. यहाँ पे खाली सोसाइटी है सामने, यहाँ पे अपोजिट में सोसाइटी है, और वहां पे कोई पर्सन था, ऊपर वाले में कोई पर्सन था, मिस्टर या मिस्टर भी था, यहाँ पे सामने सोसाइटी है, सेम चीज वही बात. रजिस्ट्री पेंडिंग रखी है बस आपने यहाँ पे. By virtue of membership transfer, yes, yes. एनी अता तू लाइक अभी तू आप क्या बता रहे हो कि by virtue of transfer of membership, anything which allows you to enjoy immovable property, any transaction which allow the taking the possession and you have paid the consideration. तो हमारे लिए transfer का मतलब एकदम simple है, आपके पास possession आ गया और आपने consideration pay कर दिया है, और इस transaction का आप कुछ भी नाम दे दो, इस ट्रांजेक्शन को आप कुछ भी नाम दे दो, गिव एनी नेम. इन सब्सटेंस होना क्या चाहिए था, आई हैव पेड द फुल कंसिडरेशन एंड आई हैव टेकन द पजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो बायर के पास पजेशन है, सेलर के पास पैसे पहुंच गए, तो ट्रांसफर हो गया. नाम कुछ भी दे दो, और वैसे भी ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है ना, इंक्लूसिव डेफिनेशन का वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. ट्रांसफर
परवेसिव है, बहुत बड़ा डेफिनेशन चला गया अभी अभी, ऑल इंक्लूसिव माना जाता है। चलो हम 3 दिन से कैपिटल गेन कर रहे हैं, आज पहली बार इसका क्वेश्चन आया, हाउ विल यू कैलकुलेट पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ फॉलोइंग असेट। पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करनी है, शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में अगर होगी कंपनी तो मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली आपको अभी पैसे मिलने तक वेट नहीं करने का, आपका डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ लिक्विडेशन तक ही काउंट होता है। आफ्टर वंस द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन दैट पीरियड वी डोंट काउंट एज अ पीरियड ऑफ होल्डिंग। बोनस शेयर का वर्डिंग क्या आता है, डेट ऑफ एक्विजिशन से स्टार्ट होगा क्या ये, तो डेट ऑफ ट्रांसफर तो ठीक है, अलॉटमेंट डेट ऑफ अलॉटमेंट से आता है, तो ये डेट ऑफ अलॉटमेंट से स्टार्ट होता है। फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंबरशिप राइट दिया तब से आप लोगों को वहां पे भी क्या बोलते हैं अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू होगा। देखो द होल्डिंग पीरियड शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स इन द सोसाइटी एंड इन इट विल एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो बस उतना ही है, यहाँ पे भी अलॉटमेंट का एक करके ही वर्ड यूज किया है, और उन्होंने बोला जो आफ्टर लिक्विडेशन होता है, वंस कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, वो पीरियड आपको एक्सक्लूड करना पड़ता है। चलो ठीक है, इजी है। अब इसके बाद कौन सा सेक्शन आपके सामने आ गया देखिए, इसके बाद आपके सामने देखिए कौन सा, सेक्शन 45 जो है हम थोड़े टाइम के बात करेंगे, हम आज सेक्शन 45 को नहीं टच करेंगे। वेरी बेसिक रीजन कि सेक्शन 45(1) की जो कंडीशंस है वो तो मैंने आपको पढ़ा के रख दी, ठीक है ना, वही मैं आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा 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 होता है, लेकिन 45(1) के बाद इसमें जितने भी सब सेक्शंस है, 45(1A, 45(2), 45(2), ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, इसमें तो इसमें से इंटर का बुक है तो बहुत सारे सब सेक्शन इन्होंने डिलीट ही कर दिए। हमें जनरल नॉलेज रखना है कैपिटल गेन चैप्टर का, वंस वी आर डन विद द जनरल नॉलेज फिर हम लोग जाएंगे स्पेशल नॉलेज में, क्योंकि ये सारे स्पेशल सेक्शन है, तो स्पेशल सेक्शंस में हम लोग थोड़े बाद में आएंगे। अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज ट्रांसफर, जब मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ट्रांसफर तो इमीडिएटली आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, अच्छा कैपिटल असेट हो गया, तब हमने इमीडिएटली पढ़ा था कि क्या कैपिटल असेट नहीं होता है, वी हैव इन्वेस्टेड गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दैट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज ट्रांसफर, तो व्हाट इज ट्रांसफर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं बता रहा हूं इतना आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अभी क्या इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, व्हाट इज ट्रांसफर अगर इंक्लूसिव है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब ये दुनिया का हर ट्रांजैक्शन इसमें आ गया, और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने, जितनी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते हैं सब पे टैक्स लगा दिया। अभी वेरी गुड वेरी गुड, अभी एक्सेप्शन पढ़ना जरूरी है, व्हाट इज नॉट ट्रांसफर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या ट्रांसफर नहीं है वो पढ़ना जरूरी है। जैसे आप जीएसटी में भी आपको कैसे पढ़ाया जाता है, तो आपने जीएसटी की जब पढ़ाई की तो आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि जीएसटी में कौन से आइटम टैक्सेबल है, कि आपको जीएसटी में ऐसा पढ़ाया गया कि कौन से आइटम टैक्सेबल है, इसका सप्लाई टैक्सेबल है, उसका सप्लाई, नहीं हमको वो नहीं पढ़ाते, हमको जीएसटी में एग्जम्पशन पढ़ाते हैं और नॉन टैक्सेबल पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो जीएसटी में हम एग्जम्पशन की लिस्ट पढ़ते हैं और नॉन टैक्सेबल की लिस्ट पढ़ते हैं। सिमिलरली इनकम टैक्स में भी हम क्या करते हैं, हम नहीं पढ़ते कि कौन सा इनकम टैक्सेबल है, वी स्टडी सेक्शन 10, और सेक्शन 10 पढ़ने के बाद क्या पता चलता है हमें कि व्हाट इज नॉट टैक्सेबल इन इनकम टैक्स, वंस वी नो व्हाट इज नॉट टैक्सेबल इन इनकम टैक्स एवरीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड बिकम्स टैक्सेबल इन इनकम टैक्स, बहुत ही सिंपल है, हमारा लॉ कॉम्प्रेहेंसिव लॉ है। तो यहाँ पे भी इन्होंने ट्रांसफर का डेफिनेशन इंक्लूसिव रखा, तो हो क्या गया कि दुनिया में जितने भी ट्रांसफर होते हैं सारे टैक्सेबल हो गए। नाउ वी नीड टू नो द नॉन लिस्ट ऑफ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, और एक बार हमको ये पता चल गया कि नॉन टैक्सेबल क्या क्या होता है, फिर हमें पता चल जाएगा वो कि ये छोड़ के बाकी दुनिया के सारे ट्रांसफर टैक्सेबल ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो नॉन टैक्सेबल की लिस्ट है ना, वो सेक्शन 46, सेक्शन 46A, सेक्शन 47 और सेक्शन 47A में इसके कंडीशंस है 47 ही, लेकिन 47A के कंडीशंस है, तो ये चार सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ते हैं। मैंने क्या बताया समझा आपको, 46, 46A, 47, 47A, 46 हमारा हो चुका है पढ़ के, लेकिन फिर भी आपको एक 2 मिनट में मैं आपको दिखा दूंगा। 46A बायबैक के ऊपर है, 47 इसका मेन फ्लैगशिप सेक्शन है, और 47 के अमालगमेशन वगैरह में कुछ उन्होंने एग्जम्पशन दिए हुए, उसके कंडीशन जो है वो 47A में दिए गए,
चलो ठीक है, वो पढ़ना चालू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चार हमें सेक्शन पढ़ने हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट ट्रांसफर। जैसे किसी की डेथ हो गई है, किसी की डेथ हो गई है और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और उन्होंने विल बना के रखा हुआ है, डेथ विल बना के रखा है कि मेरी मेरे डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टीज का डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा उन्होंने विल बना के रख दिया है। तो मुझे आप बता दीजिए प्लीज, अगर ऐसा विल है जहां पे उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी किसको किसको जाएगी, तो जिसकी डेथ हुई है वो उसकी तो डेथ हो चुकी, अब प्रॉपर्टी तो डिवाइड होगी जिनके नाम पे विल बना हुआ था, तो क्या ये ट्रांसफर टैक्स भरने के लिए लाइबल है इन द ईयर ऑफ डेथ? नहीं ना, कहाँ, लेकिन ट्रांसफर तो हुआ ना प्रॉपर्टी। अब विल नहीं होगा तो इनहेरिटेंस जाएगा, ठीक है ना, अगर विल नहीं होगी तो इनहेरिटेंस में चला जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो मेरा आपको सिंपल सा सवाल वही है, आई हैव वेरी सिंपल सा क्वेश्चन कि बाबा ये टैक्स लगता है क्या? उसके लीगल असेस से भरेंगे, वही तो मैं नहीं, अरे उसके ऊपर टैक्स लगता है क्या? वो जो जिसकी डेथ हो गई वो छोड़ दे, वो तो टैक्स भरने आएगा नहीं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी टैक्स भरेगा क्या? इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी होगा ना? अच्छा, जिस साल में डेथ हुई उस साल में रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है, ठीक है ना, रिटर्न आपने भरना है, आपका इनकम हुआ तो टैक्स लगता ही है, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव असेसी आपका हाँ लास्ट रिटर्न भरा जाता है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोलता है कि भैया हाँ डेथ हो गई है पर्सन की, आपने नहीं क्या वहां पे रिटर्न भरने के टाइम पे वो देखा होगा वेदर रिटर्न इज फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेसी, वहां पे यस करना होता। तो ये रिटर्न भरेगा क्या? इसका कोई रिटर्न भरेगा क्या? और वो टैक्स भरेगा क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इनके रिटर्न तो जाएगा ही, लेकिन ये वाला जो आइटम है जो इनकी कैपिटल असेट थी, घर था, लैंड थी, शेयर्स थे, ये जो डिवाइड हो रहे इन लोगों में, क्या इनके ऊपर ज्वेलरीज थी, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? मैं वो पूछ रहा हूं आप लोगों को, इसके ऊपर नहीं लगना चाहिए ना, आपका इमोशंस पूछ रहा हूं, नहीं लगना चाहिए बेचारे के ऊपर, क्यों? क्योंकि कोई ऐसा गेन कमा के डेथ हुई है क्या? क्या फैमिली में एक्चुअली पैसा आया है? आप सोचो ना जरा, क्या फैमिली में एक्चुअली पैसा आया है क्या? अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी कि इसकी डेथ ही हो, गिफ्ट भी तो हो सकता है यहां से यहाँ पे, विल इनहेरिटेंस गिफ्ट इन सबका ट्रीटमेंट सेम ही है, यहां तक क्लियर है? एक हल्का सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, या तो मुझे बताइए अभी इश्यू क्या होने वाला है, व्हाट व्हाट हैज बी व्हाट, मतलब मैं आपको ये तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं कि भैया कि क्या ट्रांसफर नहीं होता, वो तो मैंने एकदम 2 मिनट में बता दिया। ये देखो सेक्शन 47 में क्या है, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ओहो मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफर नहीं है, और जो ट्रांसफर नहीं है उसके ऊपर कैपिटल गेन भी तो नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल गेन होने के दो कंडीशन है कि कैपिटल असेट होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए तो कैपिटल गेन लगता है, अगर आपका ट्रांसफर ही नहीं होगा तो इक्वेशन में कैपिटल असेट होके क्या ही कर लेंगे, समथिंग विच इज नॉट ट्रांसफर कैन नॉट बी टैक्सेबल। तो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसका पार्टीशन हो गया और पार्टीशन होने के बाद मेंबर्स में, पार्टीशन मतलब दादा अभी इंग्लिश में मत बात करो, पार्टीशन वगैरह कुछ नहीं, अपनी हिंदी में बंटवारा हो गया, हाँ विभाजन हो गया प्रॉपर्टी का, चार भाई थे, चारों भाइयों का झगड़ा हो गया, उन्होंने अपनी अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो डिवाइड करके ले ली। अब मुझे बताइए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड करके ले ली तो फायदा किसको हुआ? किसी को कैपिटल गेन हुआ क्या? हैज एनी बडी अर्न रियल गेन? नहीं, पहले भी प्रॉपर्टी उतनी ही थी, अभी भी उतनी है, खाली ज्वाइंट ओनरशिप में थी, अभी इंडिविजुअल ओनरशिप में आ गई। वैसे ही यहाँ पे गिफ्ट विल एंड इनहेरिटेंस या इरिवोकेबल ट्रस्ट करके कुछ होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या हो गया, जिसकी डेथ होनी थी हो गई, तो ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, अब फादर के पास प्रॉपर्टी आई, ठीक है ना, इसका ये मतलब नहीं कि किसी को फायदा हुआ, फायदा मतलब कैपिटल गेन हुआ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, और इसके वजह से नाइदर ट्रांसफरर नॉर ट्रांसफरी पेज टैक्स, यहाँ पे ना ट्रांसफरर टैक्स भरता है ना ट्रांसफरी टैक्स भरता है, ट्रांसफरी के हाथ में गिफ्ट टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन ये गिफ्ट टैक्स नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता।
आइडली नहीं लगता, कोई अगर अलग सिचुएशन होगी तो लग भी सकता है, बट आइडली नहीं लगता। विल पे इनहेरिटेंस पे आपको गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, दैट्स व्हाट यू नो। बेटा चाबी क्लासरूम का यहाँ पे रखा है क्या? देखो ना, यहीं पे होना चाहिए था, यहाँ पे कहीं पे लटका है दोनों की होल्डर पे। हाँ वो लेके जाओ, चलेगा, उसमें है ना। ओके ठीक है। अब मुझे आगे का प्रॉब्लम बताओ, ये तो छोड़ दो, मुझे अभी इसका इसका टेंशन ही नहीं है। ये तो आपको बचपन से पता भी है कि सर 47 में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। मुझे अभी ये ट्रांसफर ही का टेंशन है, आगे जब ये प्रॉपर्टी सेल करेगा, ये एक्चुअली ट्रांसफर करेगा, या ये मेंबर में का कोई प्रॉपर्टी एक्चुअली ट्रांसफर करेगा, तब तो कैपिटल गेन आएगा ना। हमें सेक्शन 47 को डिटेल में क्यों पढ़ना होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं, तभी तो कैपिटल आएगा। अभी एक्चुअल में उसका तो हाँ, तो अभी उसमें हमें तीन सवाल आते हैं, खाली कॉस्ट का सवाल नहीं आता यश। यहाँ पे अभी हमें थ्री अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसका कॉस्ट क्या लेंगे, इसको तो फ्री में मिली थी। एक तो इसका कॉस्ट का सवाल आता है, दूसरा सवाल आता है इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन अपने मन में आना चाहिए कि पीरियड ऑफ होल्डिंग इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कंसिडर करने के लिए व्हाट शुड बी द पीरियड ऑफ होल्डिंग। एंड थर्ड क्वेश्चन वी शुड अराइज टू आवर माइंड कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रीवियस ओनर के यहां से मिलेगा या इंडेक्सेशन का बेनिफिट जब ये ओनर बना तब से मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस थ्री क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 47 के वजह से ये तीन अलग क्वेश्चन आते हैं। हाँ कल जो देखा था, कल मैंने आपको हिंट दिया था कि देखो ऐसा कुछ होता है, ग्रेट ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर को गई, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर को गई, फादर ने प्रॉपर्टी गिफ्ट अपने बेटे को की और बेटे ने बाद में मार्केट में सेल कर दिया। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ दिस ओनली, जहां पे हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से लिया, कॉस्ट हम प्रीवियस ओनर से लेते हैं, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम करंट ओनर से लेना चाहिए, ऐसे सेक्शन बोलता है। लेकिन मंजुला जे शाह करके केस लॉ हुआ है जिसमें हम प्रीवियस ओनर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देर आर वेरिएशंस यहां पे। अभी आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हमको 47 में क्या पढ़ना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी 47 अभी पढ़ा नहीं रहा हूं। 47 में जाने से पहले मुझे दो छोटे पॉइंट प्रोविजंस क्लियर करने, जिसमें जो हमने कभी ना कभी डिस्कस किए हुए हैं, जस्ट वॉन्टेड टू क्लियर। आपको पता है हमने एक छोटा सा एक पेज का चार्ट बनाया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का, ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। इरिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब होता है जो ट्रस्ट रिवोक नहीं हो सकता। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल। आपको क्लबिंग के चैप्टर में भी वो वर्डिंग मिलेंगे, रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इरिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब एट अ विल ऑफ ट्रांसफरर, मेरी इच्छा पे मैंने जो आपको असेट दिया है वो कभी भी तोड़ के मैं रिटर्न ले सकता हूँ, दैट इज रिवोकेबल। तो वो तो रियल ट्रांसफर हुआ ही नहीं ना, रिवोकेबल ट्रांसफर इज नॉट अ रियल ट्रांसफर। समझा आपको पूजा? रिवोकेबल ट्रांसफर इज नॉट अ रियल ट्रांसफर। इरिवोकेबल ट्रांसफर मतलब मैंने एक बार प्रॉपर्टी अगर दे दी तो उसको मैं रिटर्न नहीं ले सकता, उसको इरिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। चलो ठीक है, सेक्शन 46 क्या खास था, यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए ना। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय द कंपनी इन लिक्विडेशन। तो बताइए ना क्या होता है लिक्विडेशन। ये बैलेंस शीट है, देखो आपको मेमोरी आ रही है क्या? आप प्लीज नोटबुक में टर्न करके मत देखिए, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 20 लाख का, यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस है 80 लाख का, और असेट्स है यहां पे 100 लाख के, ठीक है। तो 20 लाख का शेयर कैपिटल, 80 लाख का रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड असेट्स कितने के हैं? 100 लाख के हैं। तो मेरा आप लोगों से एकदम सिंपल सवाल क्या है, एकदम सिंपल सवाल क्या है मेरा आपसे कि अभी ये कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली है तो ये जो असेट्स होते हैं ये किसको मिलेंगे? हु विल गेट दिस ऑल दिस असेट्स? असेट मतलब आप समझिए ना, ये बैंक बैलेंस भी हो सकता है। ये पैसे किसको मिलेंगे? शेयर होल्डर को मिलेंगे, ये जो शेयर होल्डर होंगे राइट, शेयर होल्डर्स को ही मिलेंगे। तो ये जो भी शेयर होल्डर होंगे उनके हाथ में जब ये असेट मिलेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर है, लेट अस अज्यूम ना, क्योंकि मैं अगर 1000 शेयर होल्डर लूंगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा।
तो लेटेस्ट अज्यूम की एक शेयर होल्डर है और कंपनी लिक्विडेशन में जा चुका है, तो अभी एक शेयर होल्डर को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिलेगा, कितना? 100 लाख का मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्चुअली देखेंगे तो 100 लाख का मिलेगा। और मान लेते हैं कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं है, मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो फेस वैल्यू पे ही उसने शेयर्स लिए थे, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख है, या 10 लाख भी हो सकता है, या 15 लाख भी हो सकता है, या 30 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं 30 लाख भी ले सकता हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, वो आपको डेटा में देखना पड़ेगा, ठीक है? 30 लाख है तो इसको कैपिटल गेन 70 लाख का हो गया, और अगर मैं 20 लाख ही कंसिडर करता तो इसको कैपिटल गेन 80 लाख का हो जाता। ये समझ में आ रहा है आपको? कैपिटल गेन 80 लाख का होता, शेयर होल्डर ने क्या ट्रांसफर किया आज? शेयर होल्डर ने आज क्या ट्रांसफर किया? जब कंपनी लिक्विडेशन में गई तो व्हाट डिड द शेयर होल्डर ट्रांसफर? शेयर्स। शेयर्स का क्या करेगा कुछ, किसको? शेयर्स नहीं ट्रांसफर किया है, शेयर्स नहीं ट्रांसफर किया है, शेयर्स ट्रांसफर करना मतलब बेचना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन द प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हो क्या? कल तक ये शेयर होल्डर था, इसके पास हक थे शेयर होल्डिंग के, अब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, अब इसके राइट्स जा चुके हैं, राइट्स खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंग्विश हो रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या? वो एक्सटिंग्विशमेंट का जो वर्डिंग था वो है यहाँ पे, लेकिन शेयर होल्डर के पास जो राइट राइट ऑफ ओनरशिप था, जो राइट ऑफ ओनरशिप था, राइट इन शेयर्स था, वो चला गया, तो ये तो ट्रांसफर हो गया ना। क्या ये राइट या शेयर कैपिटल असेट होता है? और एक्सटिंग्विशमेंट क्या ट्रांसफर होता है? यस। तो कैपिटल असेट भी है, ट्रांसफर भी है सर, और कंसिडरेशन भी तो मिल रहा है, तो कैपिटल गेन कौन भरेगा? कंपनी भरेगी कि कंपनी भरेगी कि शेयर होल्डर भरेगा, पहले वो बताओ। शेयर होल्डर भरेगा ना, यस। और मान लो कंपनी के हाथ में ये लैंड था, ये बैंक नहीं था, ये लैंड था, ठीक है ना, लैंड है, तो अभी तो ये कंपनी भी तो अभी ये क्या कर रही है, असेट ही ट्रांसफर कर रही है ना शेयर होल्डर को। अगर ये असेट कैपिटल असेट होता तो कंपनी भी तो ट्रांसफरर बन गई, फिर शेयर होल्डर ने शेयर्स दिए या अपना राइट दिया और कंपनी ने लैंड दिया, तो आप बोल सकते हो ना डबल टैक्सेशन करेंगे साहब, दोनों को टैक्स करेंगे, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज दोनों को टैक्स करेंगे, ऐसा आपके मन में आ सकता है ना एक बार? पहले आपके मन में क्या क्या नहीं आना चाहिए वो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मन में आ सकता है कि नहीं मुझे बताओ। पैसा नहीं है इसलिए, हाँ ये ऐसा मतलब, मैं चलो पैसा तो है नहीं, पैसा तो जमीन मार्केट में बेचता तो जमीन शेयर होल्डर को नहीं देता तो बताओ क्या होता? जमीन शेयर होल्डर को नहीं देके जमीन अगर मार्केट में अगर कंपनी बेचती तो टैक्स होता कि नहीं कंपनी के हाथ में? तो गेन हो जाता, यस, तभी तो हो ही जाता। लेकिन लिक्विडेशन इज नॉट अ नॉर्मल सेल, लिक्विडेशन कंपनी किसी मजबूरी में आके कर रही है, ठीक है ना, और आप उसमें अगर डबल टैक्सेशन लगाओगे तो अल्टीमेटली किसको हर्ट होने वाला है मुझे बताइए ना, अल्टीमेटली किसको हर्ट होने वाला है? मतलब शेयर होल्डर को डबल टैक्स लग जाएगा ना रे, आप समझ रहे हो ना? अभी कंपनी में खाली शेयर होल्डर बच गए, बाकी सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो चुकी है। आप बता रहे हो अच्छा, एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, मतलब आपने शेयर दे दिए तो आप टैक्स भरिए, और कंपनी ने लैंड दी तो कंपनी भी टैक्स भरेगी। अरे लैंड देने के लिए कंपनी को कंसिडरेशन शेयर्स मिला ना, राइट्स कम हो रहे ना राजा, ऐसे क्या कर रहे हो आप? शेयर्स भी तो कैपिटल असेट है ना, समझा आपको मैंने क्या बोला? चलो आपके मन में आना नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता, अगर लैंड के ऊपर भी हम टैक्स लेते और शेयर होल्डर से भी टैक्स लेते, तो अल्टीमेटली टैक्स तो शेयर होल्डर नहीं भरा ना, मैं आपको खाली लॉजिक बताने का ट्राई कर रहा हूं। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, सेक्शन 46 लाया, और सेक्शन 46 में बोला कि जब भी लिक्विडेशन होगा पहले तो कंपनी को टैक्स लगेगा ही नहीं, लिक्विडेशन में जो भी असेट ट्रांसफर होंगे शेयर होल्डर को उसके ऊपर कंपनी को टैक्स लगेगा नहीं। अब ये पता होना चाहिए ना आपको कि लिक्विडेशन पे ट्रांसफर होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, ये लॉ तो पता होना चाहिए पहले तो। हाँ तो यही बता रहा हूं कि लिक्विडेशन में कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, एक तो ये हो गया। दूसरा मुझे आपको क्या पूछना है कि
कि यहां पे 100 लाख नहीं आ सकता। शेयर होल्डर को मिला कितना? शेयर होल्डर को 100 लाख मिला ना। देखो ना, बैलेंस शीट में तीन ही आइटम है, शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 80 लाख एंड असेट्स 100 लाख। तो शेयर होल्डर को मिला कितना? 100 लाख पूरा का उसको ही मिला, ठीक है ना। तो 100 लाख रुपीज यहां पे नहीं आ सकता। बताओ क्यों नहीं आ सकता? मैं देखना चाहता हूं आपकी यादें कितनी ताजा होती है। 100 लाख गलत है। 100 लाख यहां पे लिखने से डबल टैक्सेशन होता है। 100 लाख यहां लिखने से डबल टैक्सेशन होता है। कंपनी को तो टैक्स लगाया नहीं, तो कंपनी को बीच में मत लाओ। इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ओनली देर इज द इंसिडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन इफ आई राइट 100 ईयर। क्या आपको डिविडेंड टैक्सेशन का टॉपिक याद आ रहा है? क्या आपको डिविडेंड टैक्सेशन का टॉपिक याद आ रहा है, जहां पे हमने सेक्शन 222 ए बी सी डी और ई पढ़ा था डिविडेंड टैक्सेशन का? इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑफ द कंपनी था, वो जाने दो। बी फॉर बैलेंस, बी फॉर बोनसेस था, डी फॉर लिक्विडिटी अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था, और ई फॉर तो वो तो लोन होता है, लोन्स एंड एडवांसेस। सबसे ज्यादा बात हमने इसके ऊपर की थी। सी फॉर लेकिन क्लोजर ऑफ कंपनी होता है, और क्लोजर ऑफ कंपनी मतलब लिक्विडेशन की हमने यहाँ पे बात की थी। और यहाँ पे मैंने बताया था जो भी असेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लिक्विडेशन पे, वो बन जाते हैं डीम्ड डिविडेंड। क्या बन जाते हैं? डीम्ड डिविडेंड। और डीम्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है ना, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन ये डीम्ड डिविडेंड कहां तक है? टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये वर्डिंग याद आ रही है आपको? टू दी एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इस बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? 80 लाख। तो ये 80 लाख पहले से ही टैक्स हो चुका है, ये 80 लाख पहले से ही टैक्स हो चुका है डीम डिविडेंड बोल के। तो फिर से ये इतना टैक्स करोगे कैपिटल गेन में 100 लाख लेके? बोलो नहीं। तो यहां कितना आना चाहिए था? यहां 20 लाख आना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ 20 लाख आना चाहिए था, तो नेट कंसिडरेशन भी 20 लाख ही हो जाता, और 20 में से 20 जाएगा तो ये 80 का नील हो जाता। अगर 20 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और 30 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो 10 लाख का लॉस आता, और 10 लाख अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो ओनली 10 लाख का प्रॉफिट आता। ये समझा आपको? तो ये यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का फॉर्मूला क्या था, क्या लिख के रखा है अपन लोग ने? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू असेट रेशियो, जितने भी असेट मिले रहेंगे, माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 सी। जितना भी डीम्ड डिविडेंड हो गया उतना माइनस कर दो, जो नेट बनता है, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं लेने का, नेट ऑफ करके लेने का अपनी भाषा में। ओके इतना याद रखोगे प्लीज, पहले भी पढ़ा दिया था यार, अभी खाली बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हो, तो आप लोग ये चार्ट अपने नोटबुक में क्या देखना है तेरे को एग्जैक्टली, ये ऊपर वाला बैलेंस शीट, अरे फॉर्मूला यहां पे है, टेंशन मत ले। ये देख, फॉर्मूला का टेंशन मत ले, ये हमने लिखा हुआ है, ये चार्ट वी हैव कॉपीड दिस पर्टिकुलर चार्ट और सिमिलर चार्ट जो हमारे नोटबुक में था, आपने अपने बुक में लिखा हुआ है टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है ना। तो उसमें ये दो चार्ट है, सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ ट्रांसफर, ठीक है ना। इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द लिक्विडेशन, वो सबसेक्शन 1 कंपनी को रिलैक्सेशन देता है। दिख रहा है आपको? सबसेक्शन 1 कंपनी को टैक्स नहीं लगा रहा है, जबकि कंपनी अपने असेट अपने शेयर होल्डर को दे रही है, बट सबसेक्शन 1 इज प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ रिलीफ। सबसेक्शन 2, 46 सबसेक्शन 2, दिस इज एप्लीकेबल फॉर शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को क्या बोला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एट्रिब्यूटेबल टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस था, मेरे केस में 80 लाख, ठीक है ना, विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड। और ये डीम्ड डिविडेंड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स हो चुका है, तो कैपिटल गेन में क्या टैक्स होगा फिर? तो कैपिटल गेन में सर कितना टैक्स होगा? मनी रिसीव्ड प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस डीम डिविडेंड। ओके माइनस डीम डिविडेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये क्या हो जाएगा? आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, और उसमें से आप कॉस्ट माइनस करके कैपिटल गेन निकाल लेना। क्या सेक्शन 46 क्लियर है? पहले भी पढ़ाया था, आज फिर से रिवाइज करा के दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन
करके लिखा है सर, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ यस, हाँ वही वही चाहिए ना, सेम सेक्शन 46 ही है वहां पे। चलो आगे, अगर आप लोगों को लगता है कि ये चार्ट कैपिटल गेन में फिर से एक बार लिखने की जरूरत है, आप एक बार फिर से लिख लीजिए, लेकिन घर पे लिखिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आगे चलूं प्लीज। ठीक है, अब ऐसे ही होता है बायबैक, ठीक है ना। बायबैक में मुझे पहले बताओ कंपनी बायबैक क्यों करता है, अपने जो अकाउंट्स या कंपनी लॉ में पढ़ा होगा बायबैक क्यों करता है, व्हाई देयर इज अ बायबैक, कंपनी को एडवांटेज क्या होता है बायबैक करके, एक एडवांटेज बता दो मेरे काम का उतना ही है, ओनरशिप बढ़ाने के लिए, ओनरशिप बढ़ाने के लिए या शेयर होल्डिंग। आप लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी करके समझा है क्या? हाँ, पहले जो डाइल्यूटेड हुआ था उसको अभी रिवर्स करना है। आपको पता है इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा बेस्ड होता है ऑन ईपीएस। व्हाट इज ईपीएस? अर्निंग पर शेयर। ईपीएस निकालने के लिए AS20 है पूरा का पूरा, अलग अलग फॉर्मूला से आपको ईपीएस निकालना पड़ता है, AS20 पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करो, मेगस ऑर्डिनरी पर्सन मेरे जैसे, तो अगर कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर्स है तो ईपीएस 1 रुपया आ गया। ये समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल वाला, मेरा ऊपर मेरा अर्निंग है और नीचे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और नीचे मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और मेरा अजम्पशन है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग वाज कांस्टेंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर में उतने, तो इतना सेम इजी फॉर्मूला से निकलता है। लेकिन आपने अगर ईपीएस पढ़ा होगा, AS20 पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि ये इतना आसान नहीं होता, उसको वेटेड एवरेज वगैरह करके निकालना पड़ता है। बट आई एम नॉट गोइंग इन टू अकाउंट्स, क्योंकि मैं अकाउंट्स तो पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। अगर कंपनी ने इसमें से 50 लाख शेयर्स अगर परचेस किए, बायबैक किए, 50 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स अगर बायबैक किए डे वन पे ही, तो अभी ये खाली 50 लाख से डिवाइड होगा ना रे, पहले 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ था, अभी 50 50 लाख शेयर्स अगर बायबैक किए तो हाफ हो गया ना शेयर्स, शेयर्स अगर हाफ हो गए तो मेरा ईपीएस 2 रुपया हो गया। क्या कंपनी ने अर्निंग बढ़ाया? क्या कंपनी में प्रॉफिट बढ़ गया? प्रॉफिट 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 तो उतना ही था, प्रॉफिट तो सेम लेवल पे था, लेकिन ईपीएस बढ़ गया। ईपीएस बढ़ने से मार्केट वैल्यू इंप्रूव होगा क्या? ईपीएस अगर 2 रुपया दिखना चालू हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू इंप्रूव हो जाएगा क्या? मार्केट वैल्यू इंप्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अभी डिवीजन होता था, यू कैन कंसिडर कि अगर हमने केक बनाया, एक पहले केक 100 लोगों में बंटा था तो मेरे हिस्से में छोटा सा ही टुकड़ा आता था, अब ये केक 50 लोगों में बेचने वाला है तो मेरे हिस्से में जो पहला ही पहला जो केक का प्रपोर्शन आता था उसका अभी डबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक रीजन तो मेरे को जो एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल समझता है कि बायबैक इसलिए होता है कि कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, और अननेसेसरी कंपनी ने लाइबिलिटी बना के रखी है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को पे ऑफ करके, और बैंक बैलेंस भी है कंपनी के पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है बैंक में है, कंपनी ये रिजर्व यहाँ रिजर्व रखेगी, यहाँ बैंक बैलेंस रखेगी, उससे अच्छा है तो कंपनी बोलती है यार छोड़ो ना यार बायबैक करके बैंक बैलेंस भी कम कर दो और यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी भी कम कर दो, ठीक है ना, शेयर कैपिटल की लाइबिलिटी कम कर दो, दैट्स अ बाय बैक। बाय बैक में कंपनी ने कोई असेट ट्रांसफर किया है क्या? कंपनी ने क्या कंपनी ने कोई असेट ट्रांसफर किया है? कंपनी ने तो पैसे दिए ना खाली, कंपनी के यहां से तो बैंक गया खाली, पैसे नीचे गए, तो कंपनी के हाथ में, कंपनी तो कोई ट्रांसफरर है ही नहीं, तो कंपनी छोड़ दो। लेकिन क्या शेयर होल्डर, क्या बायबैक में शेयर होल्डर ने कोई ट्रांसफर किया? कल तक उनके पास राइट ऑफ ओनरशिप था, आज उनके पास राइट ऑफ ओनरशिप नहीं है, जिनका बायबैक हुआ या जितने शेयर्स का बायबैक हुआ, तो बायबैक हो चुका है, शेयर्स का बायबैक हो चुका है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन अ कैपिटल असेट, हमने बात किया इसको, ठीक है आगे चलता हूं। तो बायबैक पे जो प्राइस मिला होगा, फोकट में तो बायबैक नहीं होता, तो टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं? टैक्सेबल होना चाहिए, आप लोग भी अग्री करते हो टैक्सेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये जो पैसा मिलता है ना वो 1038A में एग्जेम्प्ट रखा हुआ है, 10 लिखा तो समझ में आ गया आपको,
10 लिखा तो ये पैसा एग्जेम्प्ट है। हाँ, अगर मार्केट में ये शेयर होल्डर सेल करता तो टैक्सेबल हो जाता, और बायबैक हुआ तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। बताओ, एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ, आपको थोड़ा झटका लगना चाहिए, ऐसा कैसा एग्जेम्प्ट कर दिया। 1034A, मैंने सेक्शन रॉन्ग लिखा है। आपको तो आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना कि बायबैक एग्जेम्प्ट क्यों, आपको पूछना पड़ेगा। मैं भी वही चाहता हूं, मैं आपकी क्यूरियोसिटी को जगाना चाहता हूं कि आपको झटका लगना चाहिए, अच्छा बायबैक ऐसा क्यों। जी बिल्कुल, आप पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको जीएसटी का तो समझता है ना, आप जीटीए के सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लेते। क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट टैक्स भरता है। आप डायरेक्टर टू कंपनी के, कंपनी डायरेक्टर जो कंपनी को सप्लाई देता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लेते क्योंकि कंपनी टैक्स भरती है। इंश्योरेंस एजेंट से आप टैक्स नहीं लेते, इंश्योरेंस कंपनी से आप टैक्स लेते हो। तो मुझे बताइए, जब बायबैक होता होगा, एक बड़ी कंपनी जब बायबैक करती होगी, जैसे अभी पकड़ ली रिलायंस है, टाटा है, इंफोसिस है, इससे बड़ी कंपनी जब बायबैक करेगी तो शेयर होल्डर लाखों में होंगे ना जिनका बायबैक हुआ रहेगा, क्वांटिटी लाख्स में होगी। नाउ फॉर ईज ऑफ कलेक्शन ऑफ द टैक्स, फॉर ईज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, मुझे आप इतना बता दीजिए, फॉर सिंप्लिसिटी, आप अगर गवर्नमेंट रहते तो लाखों लोगों से टैक्स लेना प्रेफर करते कि कंपनी से टैक्स लेना प्रेफर करते? कंपनी से टैक्स लेना प्रेफर करते। तो आप बोलते फिर टीडीएस ले लो, जैसे पूरी दुनिया लेती है ना, पूरी दुनिया में वही ऐसा ही चलता है ना कि कंपनी टीडीएस भरेगी। मतलब आज अगर ये डिविडेंड होता तो ऐसे ही होता कि कंपनी टीडीएस भरेगी और फिर शेयर होल्डर फिर से असेसमेंट कराएंगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला, यार इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हो, इतना क्यों कर रहे हो, एक काम कर दो ना, शेयर होल्डर को मुक्ति ही दे दो। तो शेयर होल्डर को 1034A दे दो, शेयर होल्डर को बोलो तुमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, हम कंपनी से 115 क्वा, एक सेक्शन है QUA, ठीक है ना, हम कंपनी से ही टैक्स ले लेंगे। कितना टैक्स लेंगे मेरे साथ आप कंप्यूट करोगे, 20% टैक्स लेंगे, 12% का सरचार्ज लेंगे और 4% का सेस ले लेंगे, फिक्स, ये सरचार्ज फिक्स है। तो 20 + 12 + 4 कितना होता है, इक्वल टू 20% + 12% कितना आएगा, 20 का 12% लो प्लस 4% जोड़ो, 23.296%, इतना परसेंटेज टैक्स कंपनी भर देती है, वो भी बायबैक प्राइस पे, बायबैक प्राइस पे, कैपिटल गेन पे नहीं, बायबैक प्राइस पे, ग्रॉस वैल्यू पे। आप समझ रहे हो क्या, सेलिंग प्राइस पे टैक्स लग रहा है यहां पे। शेयर होल्डर के हाथ में जाता तो कैपिटल गेन पे टैक्स लगता ना रे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या आपको समझ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं, ये ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स लगता है, बायबैक प्राइस पे टैक्स लगता है इतना बड़ा। अब मुझे आप बता दो भैया, शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, वो रिवर्स कैलकुलेशन होता है दोस्त। बायबैक का जो उन्होंने प्राइस डिक्लेयर किया होता है उसका रिवर्स कैलकुलेशन होता है। इसमें कोई फायदा नहीं है, टैक्सेशन के एंगल से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फाइनेंस के एंगल से फायदा है। आपका जो मैंने इसलिए बताया ना, फायदा आपको मैंने पहले ही बताया, आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो इंप्रूव हो जाता है, आपका शेयर जो डाइल्यूट हुआ रहता है वो आप रीपर्चेस करते हो, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है कंपनी का, बहुत सारी चीजें, तो वो देर इज नो टैक्सेशन वाला फायदा, ठीक है ना। तो देख लो बायबैक का चार्ट यहाँ पे कहीं पे तो मैंने नीचे बनाया होगा, शायद बनाया भी है कि नहीं पता नहीं, बहुत आगे हम लोग बनाते हैं बायबैक का चार्ट, यहाँ पे कहीं तो बना होगा, यहाँ पे 46 में, हाँ यहाँ पे बनता है, हम लोग भी लिखेंगे ये चार्ट।
हाँ उल्टा कैलकुलेट करके दे देंगे वो लोग। शेयर होल्डर को सोचना ही नहीं ना मुझको कितना मिला, कंपनी को ही सोचना है। अभी कंपनी ने बजट बनाया 1 लाख रुपया दूंगा बायबैक में, तो उसमें से टैक्स भर दो पहले और बाद में दे दो, या उल्टा भी कर सकते हो, 1 लाख रुपया को कांस्टेंट रखो, रिवर्स कैलकुलेट करो और जो ग्रॉस अमाउंट आता है उसका उसका 22 पॉइंट जो भी 263 जो भी आपका आया था उतना टैक्स भर दो। बोथ ऑप्शंस आर देयर, कंपनी हैज टू पे टैक्स। ठीक है, तो बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अगर बायबैक डोमेस्टिक कंपनी का होगा लिस्टेड और अनलिस्टेड का, तो शेयर होल्डर एग्जेम्प्ट है, शेयर होल्डर एग्जेम्प्ट है। तो मुझे वही पढ़ाना था आपको कि कौन से ट्रांसफर टैक्सेबल नहीं होते। तो अभी मैंने पहला एक पढ़ाया आपको सेक्शन 46 का, जिसमें मैंने आपको बताया लिक्विडेशन पे कंपनी को मुक्ति मिली है और बायबैक को, बायबैक में शेयर होल्डर को मुक्ति मिली। हाँ तो कंपनी टैक्स भरी तो ज्यादा आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे कंपनी के पास पैसे भी तो ज्यादा है, ज्यादा पैसे थे तभी तो कंपनी ने बायबैक डिक्लेयर किया। इसलिए तो बहुत, आपने बायबैक को बहुत कॉमनली सुना है क्या मार्केट में? इज इट अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी कि हाँ हर दिन बायबैक हो रहा है? ऐसे तो होता नहीं है, वेरी रेयरली दे डू इट ओनली फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग। जब कंपनी का बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग होता है तब वो लोग करते हैं बायबैक। इसलिए तो मार्केट में बायबैक इतना कॉमन नहीं है ना कि इतना बड़ा टैक्स लग जाता है यार, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। आपको मुझे इतना ही पढ़ाना था, क्या इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए ही लॉ लगता है। बताओ ये लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के लिए, डोमेस्टिक कंपनी को क्यों बोला, फॉरेन कंपनी को क्यों नहीं बोला, जल्दी बोलो। व्हाई इज इट नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी? क्या हम फॉरेन कंपनी को 115 QA लगा सकते हैं देश के बाहर जाके? नहीं, कंपनी बाहर क्यों हो गई ना? अरे बाबा कंपनी बाहर क्यों? अरे एप्पल ने, तुम्हारा कल एप्पल में शेयर्स है और एप्पल ने बायबैक डिक्लेयर किया, तो एप्पल के ऊपर थोड़ी ना क्या आप लगाएंगे, ये कंपनी फॉरेन की हो गई ना, तो इसलिए खाली डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर ही लगता है, तो ये खाली याद रखो। शेयर्स तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होते हैं। हाँ? शेयर्स तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी होता है, तो वही तो बता रहा हूं ना, उसका सी इंडिया में नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर्स एंड अदर अदर कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी बच गई इसमें, एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, अगर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स छोड़ के बाकी कुछ है, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, और उसका बायबैक हो रहा है, उसका रिडेम्पशन हो रहा है, तो वो उसको और कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, तो उसका और डायरेक्टली शेयर होल्डर का चाबी लेकर गया कोई तो स्टूडेंट। हाँ एक स्टूडेंट गई है, सुबह आई है, बाकी सारी जगह पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, बाकी सारी जगह पे शेयर होल्डर विल पे द टैक्स जैसे नॉर्मली भरता है कोई भी इंसान। मैं अगर रिडम्पशन करूंगा, मेरे हाथ में रिडम्पशन प्राइस आएगी, तो मुझको टैक्स भरना पड़ेगा। शेयर होल्डर को नेट ही मिलेगा ना दोस्त पूजा, शेयर होल्डर को ग्रॉस अमाउंट कैसे मिलेगा मुझे बता? शेयर होल्डर को तो नेट ही मिलेगा ना बायबैक में, कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है ना, शेयर होल्डर को ये पता भी नहीं रहेगा कि इसका ग्रॉस अमाउंट कितना है। आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके हाथ में जो पैसा आया वो एग्जेम्प्ट, आपको 4 लाख मिला, आपको ये जान के क्या ही करोगे कि ये 4 लाख ग्रॉस अमाउंट है कि ये नेट अमाउंट है? ग्रॉस होगी तभी भी एग्जाम, नेट होगी तभी भी एग्जाम, टेक्निकली ग्रॉस आपको मिलने वाला है नहीं ना, वो कंपनी कैलकुलेट करके देगी ना। अब आपको 5 लाख देना था कि 4 लाख देना था, वो कंपनी का डिसीजन है रे। कंपनी ने सोचा मैं 5 लाख देना चाहती हूँ, फिर मैं 20% टैक्स डिडक्ट कर दूंगी और उसके बाद जो बचा है वो दे दूंगी, तो दैट्स व्हाट कंपनी विल थिंक। या कंपनी बोलेगी नहीं, मुझको 4 लाख नेट देना है, तो नेट को आप ग्रॉसिंग अप कर लो, तो दे विल डू द कैलकुलेशन, डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन। फॉरवर्ड कैलकुलेशन भी हो सकते हैं, बैकवर्ड कैलकुलेशन भी हो सकते हैं। ये आपको चार्ट समझ में आया क्या प्लीज? अगर ये डोमेस्टिक कंपनी का शेयर छोड़ के बाकी और कोई भी चीज होगी, तो भैया बायबैक टैक्सेबल है जैसे नॉर्मल होता है, ये स्पेशल है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, तो कॉमन सेंस है। ये वाला थोड़ा डेंजरस लगता है कि अच्छा लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी का अगर बायबैक हो गया तो भैया टैक्स होगा क्या?
हाँ भैया उतना हो जाएगा यश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कैन आई गो अहेड? तो आपको 115 क्वा पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है, तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में का और एक अपना आइटम हो गया 115 QA, बायबैक टैक्स। और यहां पे आपको ये पढ़ना पड़ता है। अब उन लोगों ने चार्ट में पढ़ा, यहाँ पे इन्होंने टेबल में दिया है, ठीक है ना? तो ये जो टेबल है आप टेबल भी बना के याद रख सकते हो, चार्ट बनाना है चार्ट बना के याद रख सकते हो। चार्ट आपको ला, ला, चार्ट अगर बनाना चाहते हो तो अभी बीच में मत बनाओ, ठीक है ना? तभी बनाना जब हमारे सीरीज में आएगा, स्पेशली स्पेशल ट्रांजेक्शन हम जब चालू करेंगे तभी आप बना देना। जहां पे मेरा चार्ट है आप वहीं पे बनाओ। टेबल आपको पढ़ना है तो पढ़ के रख सकते हो कि टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी होगी तो सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्स, ठीक है ना? यहाँ पे एडिशनल टैक्स लगेगा 23 का। एंड नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होगी तो, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होगा तभी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के हाथ में खाली शेयर्स होता है। कैपिटल गेन में क्या लिख रहे हैं वो भी बताना। कैपिटल गेन में जितना हमारा चार्ट होते जा रहे हैं ना उतना ही लिखना है। ये मैंने जितने चार्ट आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते जा रहा हूं, आपके पास इसका सॉफ्ट कॉपी आ गया है, ठीक है? यू हैव रिसीव्ड द सॉफ्ट कॉपी। तो जो जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं, जो जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाते जा रहा हूं, वो आपको लिखते जाना है। कॉन्सेप्ट वाइज जो जो मेरी कॉन्सेप्ट होती जाएगी वो आपको लिखती जानी है। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आ चुका हूं। हाँ टेक्निकली पहले 3 पेज ही हम लोग ने अभी तक डिस्कस किए है। आप समझ रहे हो कैपिटल गेन में कितना टाइम लगता है? एक पेज बोले तो एक लेक्चर ऐसा होता है। इट टेक्स टाइम, कैपिटल गेन टेक्स टाइम। तो चलो आगे जा रहा हूं, ठीक है ना? कंपनी के हाथ में खाली शेयर्स के टाइम पे टैक्स लगेगा। शेयर होल्डर के हाथ में जब कंपनी ने टैक्स भरा तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है, और अगर कंपनी ने टैक्स नहीं भरा तो भैया फिर शेयर होल्डर टैक्स भर देंगे अंडर सेक्शन 46A। चलो आगे। और यहां पे चालू होता है जो सेक्शन मुझे आज एक्चुअल में आपको पढ़ाना था, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन ये सेक्शन है। मजेदार बताइए। कुछ चाय वगैरह मिलेगा क्या संकेत? चाय मिलेगा क्या कुछ? ब्लैक ब्लैक टी भी चलेगा? टी हाँ वो भी चलेगा। और जरा आ जाना जल्दी। बताओ अभी कल्याण में होता तो मस्त में अजीत भाई चाय पिलाते। मैं संत क्यों बन गया? हमारे ऑफिस में यार आर्टिकल लोगों ने बाल नोच के खाए मेरे। मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो गया है। वाह कल भी मुझको एक यहाँ पे हमारे थर्ड फ्लोर पे एक मिलिट्री वाले भैया है, तो वो उन्होंने फोन किया मुझको लिटरली, बोलते आपके यहाँ पे काम है, कुछ काम है आपसे। मैं बोला क्या काम है? बोलते आपका वो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा, कहाँ पे अपने बाल कटाए वो जरा बता देना प्लीज। तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सोचो तो एकदम एकदम सीरियसली कॉल किया। नहीं वी वांटेड टू स्टार्ट महाभारत, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड महाभारत का सीरीज इन आवर ऑफिस। तो महाभारत मेरे अपने बच्चों को सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जो है बड़े शैतान बच्चे, बड़े हरामखोर बच्चों में आते हैं, ठीक है ना? मतलब तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, समझो ना? तुम इतनी मेरी बैंड बजाते रहते हो जब मैं मुंबई में आता हूँ, तो सोचो ना ये लोग इतने 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 हरामखोर हैं। अभी बेल्ट से मारकर आया हूं सुबह 3 लोगों को, बताइए उठते ही नहीं है यार सो के।
या आर्टिकल लोगों को घर में पालना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कॉलोनी का सीरीज लॉन्च हुआ क्या, हॉस्टल डेज रात तक देख रहे रहेंगे। बताइए, हॉस्टल डेज के पहले मैंने इनको महाभारत का ट्रेनिंग दिया, मतलब अब मैं इनको संत बनाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं इनसे मेडिटेशन वगैरह करा के लेता हूं, और उसके बाद ये लोग घर पे जाके हॉस्टल डेज देख रहे हैं और फिर सुबह उठते नहीं है। क्या करूं बताओ, बड़ी दुविधा है। तो इट शुड बी एविडेंट कि हम किसी एक बड़े पर्पज के लिए निकले हैं, बड़े कमिटमेंट के लिए निकले हैं, तो इसलिए टकलू हो गया। तो कम से कम मेरी टक्कल को देख के इनको याद आए कि अच्छा, हमको कुछ अच्छा भी करना है जिंदगी में, बाकी कुछ रीजन नहीं है। ऐसे ही थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करते तो अच्छा होता है टकला होना, शायद भगवान डायरेक्ट दिमाग में कुछ जाए, मतलब बालों में ना रह जाए कोई प्रोविजन, डायरेक्ट अंदर जाए। ऐसा है। चलो सेक्शन 47 पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार सेक्शन। 47 में आप लोगों को 47 के ऊपर ध्यान नहीं देना है। मैं तो अभी पहले 47 पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको 47 में खाली 47 के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको इमेजिन करना है कि इसके आगे रिपरकेशन क्या होंगे, आगे आगे क्या होने वाला है, बहुत आगे, ठीक है ना। तो एक सबसे बड़ा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, मतलब एक तो होता है इंटर लेवल का नॉलेज, वो जाने दो, फाइनल लेवल का जो नॉलेज होता है, बड़ी लेवल का नॉलेज जो होता है, जो यहां पे बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी होती है, उसमें अमालगमेशन भी आता है, राइट। तो अमालगमेशन में क्या क्या होता है मुझे बताओ फटाफट। अभी आप लोग तो अमालगमेशन के बाप लोगों, कितने तो क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे आप। अमालगमेशन में क्या क्या होता है बताइए ना प्लीज। देर विल बी अ कंपनी ट्रांसफर, अमालगमेटिंग कंपनी, और एक न्यू कंपनी आएगी जो पुरानी कंपनी को टेक ओवर करेगी। तो अमालगमेशन में ये सारे ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये कंपनी इस कंपनी को परचेस कंसिडरेशन देगी, ये सब होगा ना। तो आपको नहीं लग रहा ये ट्रांसफर ऑफ, जब ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज बोलते हो तो इसमें कैपिटल असेट भी होंगे, और ये परचेस कंसिडरेशन में सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। तो क्या अमालगमेशन के ऊपर टैक्स लगना चाहिए? इसके ऊपर तो मैं ज्यादा बात करूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, लगना तो चाहिए था ना। अरे तुम लोग ना मत बोलो, टैक्स लगना चाहिए था ना। कोई भी असेट, अगर कोई भी कंपनी असेट ट्रांसफर करती है, कोई भी कंपनी असेट ट्रांसफर करती है और उसको पैसे मिलते हैं, तो टैक्स लगना चाहिए, कौन सी उसमें बड़ी बात है। लेकिन मुझे बताओ, ये वोडाफोन और आइडिया का ही आपने आपने किसी ने एग्जांपल दिया यहाँ पे, ये वोडाफोन और आइडिया का मैरिज जो था, ये आउट ऑफ विल था या आउट ऑफ फोर्स था, मतलब मजबूरी में इनकी शादी हुई है कि चाहत में हुई है? मजबूरी, इनको किसके सामने टप देना है, इनके सामने कौन है? जियो है, और जियो के सामने नहीं, मेन तो जियो है, एयरटेल भी है, जियो और एयरटेल तो बड़ी कंपनी, और इन दोनों, ये दोनों बहुत छोटी कंपनी हो गई इनके सामने, बहुत छोटी नहीं, ये भी अच्छे प्लेयर थे, लेकिन इनको पता चल गया कि अकेले अकेले लड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो एटलीस्ट ज्वाइंट हो जाएंगे तो सर्वाइव होने का तो चांसेस है, नहीं तो सर्वाइवल ही खतरे में है, ठीक है। तो आउट ऑफ मजबूरी आया हुआ है। तो मुझे बताओ, जब वोडाफोन और आइडिया मर्ज होके वी बना, तो क्या सच में इसके शेयर होल्डर को फायदा हुआ, इसके शेयर होल्डर को फायदा, फायदा मतलब समझ रहे हो ना, कंपनी में मतलब क्या सच में पैसे आए? परचेस कंसिडरेशन वी ने दिया होगा, लेकिन मुझे बताओ, जितने भी आपने अमालगमेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें परचेस कंसिडरेशन जब डिस्चार्ज होता है तो मॉनिटरी फॉर्म में होता है कि शेयर्स के फॉर्म में होता है? जरा याद करने का ट्राई करो, शेयर्स के फॉर्म में होता है।
तो टेक्निकली तो पैसे गए नहीं है यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन में, वो खाली फ्रैक्शन को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो फ्रैक्शन, जिसका जिसका जब प्रपोर्शनेट जब आप पैसे देने के लिए जाते हो तो फ्रैक्शन आता है किसी को कि 0.123% शेयर, तो फ्रैक्शन को दिया जाता है, तो बहुत कम कैश होता है, शेयर्स में होता है। तो भैया और गवर्नमेंट, ये तो चलो ठीक है, तो मैंने हवा की बातें कर ली, गवर्नमेंट अमालगमेशन वगैरह को एनकरेज करेगा कि डिस्करेज करेगा? गवर्नमेंट मुझे मिक्स आंसर आ रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं इनकरेज करेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं डिस्करेज करेगा। अगर गवर्नमेंट ने अमालगमेशन को डिस्करेज किया होता, सुनो, अगर गवर्नमेंट ने अमालगमेशन को डिस्करेज किया होता और कल अगर वोडाफोन और आइडिया मार्केट में से चले, अगर चले चले जाते, कंपनीज बंद हो जाती, तो इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता कि नहीं? बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती, बहुत सारे वेंडर्स हैं इनके, उनका काम चला जाता, मार्केट में कंपटीशन कम होता, तो ये कंपनी में मोनोपोलीज आ जाती। हाँ, बैंक से लोन ले लिए होते तो बैंक से जो लोन लिए होते वो रिपेमेंट नहीं होते। चलो और एक वर्ड बताता हूं आपको, अमालगमेशन में ऐसा होता है, पता है ना, 2 + 2 = 5, अमालगमेशन में 2 + 2 = 5, इसका क्या मतलब है? अगर एक्स लिमिटेड 2 करोड़ कमा रही थी अकेले, वाई लिमिटेड भी 2 करोड़ कमा रही थी अकेले, जब वो एक्स वाई हो जाएंगे तो दोनों मिलके 5 करोड़ कमाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ कमाया उसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ कमाया उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड अवधूत, अकेले अकेले व्यापार करोगे तो 2 2 करोड़ तो हम दोनों कमा लेते हैं, दोनों मिलके करेंगे तो 5 करोड़ का एक एक्स्ट्रा कमाया, साथ में आने की वजह से एक्स्ट्रा कमाया, इसको सीनर्जी गेन बोलते हैं, इसको ही सीनर्जी गेन बोलते हैं। सीनर्जी गेन मतलब गेन जो आपको अकेले बिजनेस करके कभी नहीं होता, इसलिए यूनिटी में करना पड़ता है। तो सर ये सीनर्जी गेन होता कैसे है? शायद इसका प्रोडक्शन सिस्टम अच्छा था, शायद इसका मार्केटिंग सिस्टम अच्छा था। आप समझ रहे हो क्या? एक का प्रोडक्शन अच्छा है, एक का मार्केटिंग अच्छा है। हमारे यहाँ पे 2 टीम है, एक बिजनेस टीम है और एक ऑपरेशन टीम है। इसका ऑपरेशन अच्छा था, इसका बिजनेस टीम अच्छा था। हर कंपनी का सब अच्छा नहीं होता, हर कंपनी की कोई ना कोई एक वीकनेस होती है और अपनी वीकनेस किसी और की स्ट्रेंथ होती है। अगर हम क्लासेस की बात करेंगे, क्लासेस इंडस्ट्री की बात करेंगे, इस कंपनी के प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वाले टीचर अच्छे थे, इस कंपनी के थ्योरेटिकल टीचर अच्छे थे, दोनों साथ में आ जाएंगे तो सिनर्जी गेन क्रिएट होगा। मोनोपोली भी हो सकती है, इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल भी आपको समझता है ना, इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल, पहले प्रोडक्शन इंडिविजुअली करते थे, अब प्रोडक्शन मिलके कर रहे हैं तो बड़ी ऑर्डर जाएगी, कैपेसिटी बढ़ गई इनकी, तो इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल की वजह से भी कॉस्ट कम हो जाएगी और उसकी वजह से सिनर्जी गेन आती है। अब मेरा फिर से सवाल, इन सारे रीजन की वजह से गवर्नमेंट क्या करेगा? अमालगमेशन को इनकरेज करेगा, और अमालगमेशन में एक्चुअली किसी के अकाउंट में पैसे आते नहीं है। मुझे बताओ, अमालगमेशन में कंसिडरेशन करोड़ों में होता है कि ऐसे मतलब लाखों में होता है? ये जो पीसी होता है रियल अमालगमेशन में, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसकी नहीं बात कर रहा मैं, इट इज इन करोड़। तो समझिए ये 10,000 करोड़ का एक कंसिडरेशन जा रहा है, 10,000 करोड़ का कंसिडरेशन जा रहा है, 10,000 करोड़ का 20% भी अगर ले लोगे तो 2,000 करोड़ आता है। मुझे बताओ ये 2,000 करोड़ इस कंपनी के पास है भी क्या भरने के लिए? कैश में भी शेयर्स, ये 10,000 करोड़ के शेयर्स दिए तुम लोगों ने, शेयर्स
वैल्यू में दिया है, वैल्यू में पैसे नहीं है, अकाउंट में आए नहीं है। और ये कंपनी अपने पास थोड़ी ना क्या शेयर्स रखने वाली है, तो ये कंपनी शेयर्स क्या करेगी जल्दी बताओ। ये जो शेयर्स आते हैं इस कंपनी के पास, अमालगमेटिंग कंपनी के पास, वो शेयर्स किसको देगी? अरे शेयर्स लिए ना कंपनी, तो अपने पास शेयर्स लगेगी क्या? वो तो बंद होने वाली है ना। उसके जो शेयर होल्डर थे, मतलब ये पुराने कंपनी के जो शेयर होल्डर थे और ये नई कंपनी के है, ये पुराने कंपनी के सारे शेयर, ये सारे शेयर होल्डर कंपनी में चले जाएंगे अपने शेयर सर्टिफिकेट लेके। ये सारे शेयर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके बदले में अभी इनको नई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किए जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? न्यू शेयर, ओल्ड शेयर्स टू न्यू शेयर, ये शेयर होल्डर के साथ होगा। तो ये कंपनी तो अपने पास कुछ रखने ही नहीं वाली, और ये कंपनी खुद ही लिक्विडेट हो गई। इसका आप क्या बनाते हो? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब ये कंपनी को बंद कर देते हो, तो वो कंपनी अभी एग्जिस्ट भी नहीं करने वाली। तो अमालगमेशन में, अमालगमेशन में गवर्नमेंट ने बेनिफिट किसको किसको दिया? तो अमालगमेटिंग कंपनी को बेनिफिट दिया, बोला कि इसको टैक्स नहीं लगेगा। ये समझ में आ रहा है? अमालगमेशन में जितने भी असेट ट्रांसफर होंगे, भले असेट ट्रांसफर होंगे, लेकिन उन ट्रांसफर्स को, उन ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफर नहीं मानते, मतलब अमालगमेशन को टैक्स नहीं लगता। दूसरा, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होने वाला है? शेयर होल्डर के हाथ में पुराना शेयर जाके नया शेयर आएगा, तो एक्सचेंज हो गया ना ये एक्सचेंज माना जाता है ना, पुराना शेयर देके नया शेयर लेकर आए, तो ये एक्सचेंज है। अच्छा, पुराने शेयर्स की वैल्यू 200 थी, नए शेयर्स की वैल्यू 300 है। मनी मन में खुश हो कि नहीं आप? मनी मन में खुश हो कि नहीं, जल्दी बताओ कि हाँ 200 का शेयर चला गया, 300 का आ गया। अच्छा, वो आइडिया का शेयर चला गया, साला बंदी होने वाला था, अब वी का शेयर आया, तो मनी मन में खुश हो, लेकिन क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं? क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे, पैसे तो आए नहीं है, पैसे नहीं आए हैं भाई, पैसे नहीं आए अभी, ठीक है ना? तो पैसे कब आएंगे? पैसे कब आएंगे? जब आप ये नया मिला हुआ शेयर जब मार्केट में बेचोगे, जो वी का शेयर आप मार्केट में बेचोगे तब आएंगे। ओके, जब वी का शेयर बेचेंगे तब आएंगे। हाँ, तो मेरा भी सवाल आप ही से वो ही है कि जब वी का शेयर बेचेंगे तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो होगा, उसका ट्रांसफर एक्सपेंस भी होगा, उसका नेट कंसिडरेशन भी होगा। मेरा सवाल ये है कि अमालगमेटेड कंपनी का जो नया शेयर आप बेचोगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? ये मेरा सवाल है, क्योंकि वो तो आपको फ्री में मिला था ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन। मेरा सवाल समझा क्या आप लोगों को? मेरा सवाल ट्रांसफर को लेके नहीं है, वो तो एकदम है, सिंपल है। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचोरी जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट क्यों देंगे आपको बिना मतलब का? अवधुत का आंसर राइट है, अवधुत ने मुझे प्राइवेट पे डाला है। आप जब चैट करते हो तो आप यूजुअली मैसेज टू ऑल सिलेक्ट करेंगे तो अच्छा होगा, तो अदर पीपल विल ऑल्सो रीड योर आंसर। आई कांट रीड ऑल द चैट्स नो, तो विजिबल टू ऑल करेंगे तो अच्छा होगा आपका चैटिंग। यस तनिष, बहुत अच्छा है तनिष, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं, 200 रुपया भी नहीं। तो यहाँ पे कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट ये हम लेते हैं, लेकिन ये प्रीवियस असेट का लिया जाता है। प्रीवियस असेट यहाँ पे कौन है? अमालगमेटिंग कंपनी। नहीं, 200 रुपया नहीं, 200 रुपया तो मार्केट वैल्यू थी जब मैंने आपको बोला कि ये अमालगमेशन हुआ। वो छोड़ दो, मार्केट वैल्यू का लेना। कभी ना कभी तो आपने वो शेयर खरीदा होगा ना, 20 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया। समडे इन पास्ट यू मस्ट हैव परचेज द शेयर्स। आइडिया का शेयर आपने कभी तो खरीदा होगा, कि जब आप वी का शेयर बेच रहे हो अभी, पुराने कंपनी में जो परचेस प्राइस था तुम्हारे लिए, मुझे बताओ, आइडिया का शेयर और वी का शेयर तुम्हारे लिए दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है कि एक ही इन्वेस्टमेंट है? तुम्हारे माइंड से जरा सोचो ना। फॉर यू इज इट अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट और इट इज सेम इन्वेस्टमेंट? पहले आपने आइडिया में शेयर डाले, फिर आइडिया ने शेयर लेके वी के शेयर दिए, और अभी आप वी के बेच रहे, तो तुम्हारे लिए तो सेम इन्वेस्टमेंट ही है। तो तुमने इन्वेस्टमेंट 30 रुपए में किया था, आज आपको मार्केट से 300 रुपया मिल रहा है, तो तुम्हारे लिए गेन कितना हुआ? 300 रुपया, 270 हुआ ना। तो आपने क्या किया,
शेयर्स ऑफ वी, सेल प्राइस ऑफ वी और कॉस्ट प्राइस ऑफ आइडिया माइनस कर रहे हो। मैंने क्या बोला समझा आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ वी में से कॉस्ट प्राइस ऑफ आइडिया माइनस हो रहा है, ये नॉर्मल है कि एक्सेप्शनल है? नहीं, ये नॉर्मल है क्या? सेल प्राइस किसी और की, कॉस्ट प्राइस किसी और की, ये एक्सेप्शनल है। इसलिए मैं आपको डे वन से, फर्स्ट मिनट से पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं कि कैपिटल गेन इज द चैप्टर ऑफ एक्सेप्शंस। आपको लॉ नहीं पढ़ना है। अगर आप आइडिया का शेयर्स खरीद के आइडिया का शेयर्स ही बेच देते तो मुझे बताओ, मैं आपको इतना चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत ही नहीं थी। आपने 30 रुपए का 30 रुपए का शेयर लिया था, 300 रुपीज में सेल किया, 270 का बेटा गेन हो गया। इसको हम करंट असेट और करंट असेट बोलते हैं। करंट असेट मतलब वो फिक्स असेट और करंट असेट नहीं, करंट असेट मतलब जो आपने शेयर, जो असेट खरीदा था वही आपने बेचा, तो उसी के सेलिंग प्राइस में से उसी से उसी की कॉस्ट प्राइस माइनस होना, ये नॉर्मल है, ये तो कॉमन सेंस है। ये दुनिया में किसको भी आएगा। मैं बता रहा हूं, आपने जो बेचा वो कंपनी का नाम अलग था, जो खरीदा वो कंपनी का नाम अलग था, और बीच में अमालगमेशन की वजह से ये चेंज हुआ था। तो अभी बताइए कि क्या होगा। तो लॉ ने स्पेशल प्रोविजन बना के प्रीवियस असेट का कॉस्ट लेने के लिए अलाउ किया गया। ये समझा आपको मैंने क्या बोला? पक्का? अभी हाउस प्रॉपर्टी और ये एग्जांपल अलग कैसे, वो भी बताता हूं बेटा, ठीक है ना? हाउस प्रॉपर्टी का और इसका एग्जांपल अलग कैसे, यश वो समझो। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था, हाउस प्रॉपर्टी में ग्रेट ग्रैंडफादर ने घर खरीदा था, फिर वो ग्रैंडफादर के पास गया, फिर वो फादर के पास गया, फिर वो सन के पास आया और सन ने बेच दिया। तो यहां पे प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है, यहां पे प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी ही थी। यहां पे क्या एक्सेप्शनल पढ़ा हमने, करंट ओनर को कॉस्ट जो मिलेगा वो प्रीवियस ओनर का मिलेगा। ये कोपो वाली पोजीशन है, ये भी एक्सेप्शनल ही है, ये भी नॉर्मल पोजीशन नहीं है। सेलिंग प्राइस आपका, कॉस्ट प्राइस किसी और का, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे अलग अलग लोग इन्वॉल्व थे लेकिन असेट सेम था। अमालगमेशन में क्या हुआ, आपने आइडिया परचेस किया था, आइडिया का वी हो गया, यहाँ पे आइडिया परचेस करने वाले भी आप ही थे और वी का शेयर सेल करने वाले भी आप ही हो। मतलब यहाँ पे पर्सन नहीं बदला है, ओनर नहीं बदला, ओनर तो सेम ही है लेकिन यहाँ पे असेट बदल गया है। समझा? ये हल्का सा अलग है, प्रॉपर्टी चेंज हुआ है। तो इसको हम का बोलते हैं और इसको हम पा बोलते हैं। आपने सेल का किया लेकिन कॉस्ट पा का लिया जाता है। यहां पे आपने सेल करने वाला को है करंट ओनर लेकिन कॉस्ट लिया जाता है प्रीवियस ओनर का, तो ये कोपो सिचुएशन है। मैं आपको ये सब पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सब हमने आगे पढ़ना है। मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूं कि सेक्शन 47 क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 47 में से ये सारे जो आगे का एक्सेप्शनल लॉ है उसका जो बेस है वो 47 में बनता है। इज इट क्लियर? मुझे बताना क्या है, समझो आप। मैं आपको आगे का लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूं कि आगे हमको ये सब पढ़ना है। उसकी शुरुआत जहां होती है, उसका जो ओरिजिन है, वो सेक्शन 47 है, इसलिए सेक्शन 47 पढ़ना होता है। तो सेक्शन 47 अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे का लॉ अच्छे से नहीं समझेगा। तो 47 एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि 47 में एग्जाम में आ गया तो आप लिख कर आ जाओगे, ओ दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट टैक्सेबल। अब नॉट टैक्सेबल लिखने का तो 8 मार्क का सवाल नहीं आएगा ना रे एग्जाम में। हाँ, 47 को यूज करके बड़ा प्रोविजन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? तो वो पढ़ने के लिए हम 47 पढ़ रहे हैं। चलो अभी तो इजी है, अभी तो 47 का मैंने पर्पस भी बता दिया आपको। तो फिर से एक बार मैं छोटा सा हल्की सी बात बताता हूं। हमने आज का लेक्चर चालू किया था ये सोच के कि ट्रांसफर क्या क्या होता है, ठीक है ना? तो मैंने बताया ट्रांसफर को तो आपको ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, रिडम्शन, मैच्योरिटी, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंपलसरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, सब बहुत कुछ आ सकता है ट्रांसफर में। हमें ये इसके ऊपर ज्यादा ताकत लगानी ही नहीं है कि क्या ट्रांसफर है, हमें ताकत लगानी है, एनर्जी लगानी है ये समझने के लिए कि क्या ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफर नहीं है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिसके ऊपर, एक तो यही पता होना चाहिए कि किसके किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स नहीं है,
एक तो वो दैट इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, और क्या टैक्सेबल है वो जानने के लिए आपको नेगेटिवली जाना पड़ता है. फर्स्ट यू हैव टू फिनिश द लिस्ट ऑफ नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर इज अ टैक्सेबल ट्रांजेक्शन. चलो आगे, पहला चलो फटाफट अभी बात करेंगे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये भी एकदम एकदम इजी हो गया. इतना समझा अगर आपको बैकग्राउंड पे, एकदम इजी हो गया. टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है, एचयूएफ. ट्रांसफरी कौन है, मेंबर. मेंबर को एचयूएफ ने एसेट दिए. बोलो एचयूएफ टैक्स भरेगा, एचयूएफ टैक्स भरेगा क्या, एचयूएफ का बंटवारा हो गया, नहीं भरेगा. तो टैक्स कौन भरेगा, मेंबर भरेगा. कब भरेगा, जब मेंबर ये प्रॉपर्टी बेचेगा तब भरेगा. नहीं मिला चाबी तुझको अभी तक, अरे वो स्टूडेंट लेकर गई की. विनायक, विनायक को पूछो. ठीक है चलो आगे चलता हूं. अ गिफ्ट और विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट. साहब यहां पे भी ट्रांसफरर टैक्स नहीं भरेगा, ट्रांसफरी टैक्स भरेगा. इन दोनों सिचुएशन में ट्रांसफरी टैक्स भरेगा जब वो एक्चुअली सेल करेगा तब. ये जब एक्चुअली सेल करेगा तब, ये दोनों सिचुएशन में जब ये लोग एक्चुअली सेल करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे, मुझे आपको खाली उतना पूछते जाना है. अभी से ही पूछते जाऊंगा तो आगे जाने तक याद हो जाएगा. इन दोनों को तो कॉस्ट में लगा ही नहीं कुछ, ट्रांसफरी को, ट्रांसफरी को तो फोकट में मिला ये चीज. तो यहां पे कॉस्ट किसकी लेंगे हम, कॉस्ट किसकी लेंगे, प्रीवियस असेट की, प्रीवियस ओनर. क्या बोलोगे आप, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे क्योंकि यहां पे ओनरशिप चेंज हुई है. तो यहां पे कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट वो प्रीवियस ओनर की आती है, पो की आती है. यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग भी जो होता है वो प्रीवियस ओनर से चालू होता है, इंडेक्सेशन जो होता है वो करंट ओनर से चालू होता है. तो यहां पे याद रखने के लिए, अभी से खाली याद रखने के लिए, आप इतना मेरे लिए बोलते रहना. यहां पे याद रखने के लिए कॉस्ट का क्या करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्या करेंगे और इंडेक्स का क्या करेंगे. तो मैं आपको बार बार पूछते रहूंगा ये चीज. तो आपको ये बोलना है सर कॉस्ट प्रीवियस ओनर का लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का लेंगे, लेकिन इंडेक्सेशन करंट ओनर से चालू करेंगे. तो इन सिचुएशंस को पोपो को सिचुएशन बोला जाता है. इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में, अभी नहीं पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी से मैं आपको रेडी करके चलूंगा कि देखो आगे जाके क्या होने वाला है. नेक्स्ट हाउएवर से क्या चालू होता है लॉ में, कभी भी लॉ हाउएवर ये वर्ड यूज करता है तो क्या चालू होता है, एक्सप्लेनेशन की एक्सेप्शन, प्रोवाइजो चालू होता है. तो यहां पे भी इन्होंने एक प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि देखो वैसे तो ये गिफ्ट विल और इरेवोकेबल ट्रस्ट में जो ट्रांसफर होता है ना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन एक ऐसा चीज है जो ट्रांसफर होता है एज अ गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है ना, और उसको ईसॉप बोलते हैं. ईसॉप, उसको क्या बोलते हैं, ईसॉप. ईसॉप सुना है ना आप लोगों ने, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एक चीज जाती है जिसको ईसॉप बोलते हैं. एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर एक चीज जाती है, शेयर्स जो जाती है, शेयर्स, डिबेंचर, वारंट अलॉटेड बाय कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. चलो ठीक है, तो इसको इनको टैक्स करना था. ईसॉप टैक्स होता है पता है ना आपको, ईसॉप का टैक्सेशन हमने अलग से पढ़ा है सैलरी के चैप्टर में, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है, परक्यूजिट है आपका, ईसॉप इज अ परक्यूजिट, ठीक है ना. कंपनी जब आपको ईसॉप देती है तो परक्यूजिट हो जाता है आपके लिए. तो ईसॉप का टैक्सेशन हमने अलग से किया. ईसॉप यहाँ पे आप उसमें इसमें किस, और गिफ्ट, वो गिफ्ट ही जैसा हो गया ना, आप मेरे कंपनी के एम्प्लॉय हो, मैंने आपको फ्री में शेयर दे दिए तो गिफ्ट ही हो गया. तो आप बोलते हैं अच्छा गिफ्ट तो एग्जम्प्ट होता है, गिफ्ट तो टैक्सेबल ही नहीं होता. ऐसा नहीं है, टैक्स लग सकता है, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बात की है. ईसॉप का टैक्सेशन अलग ही लेवल पे होता है, एम्प्लॉय के हाथ में होता है, परक्यूजिट करके होता है, वो हमने सैलरी चैप्टर में कवर किया है. आगे चलते हैं. आई होप आप लोगों को कंसोलिडेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो अभी नॉलेज है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी.
होल्डिंग एंड सब्सिडरी का आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ना। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, शेयर्स की बात करोगे तो सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए आपको कितना परसेंट का होल्डिंग करना पड़ता है? किसी भी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बोलने के लिए कितना परसेंट का होल्डिंग करना पड़ता है? मोर देन 50% का, मोर देन 50% का आपको ये करना पड़ता है, राइट? ठीक है। और होली ओन सब्सिडी करने के लिए, होली ओन सब्सिडरी करने के लिए कितना करना पड़ता है? 100%। तो कंपनी लॉ का पहले एक सवाल पूछ लेता हूं, जो घटिया सा डाउट आप मुझको बाद में पूछोगे। क्या सिंगल शेयर होल्डर एक बड़ी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है? सिंगल शेयर होल्डर 100% कंपनी, अगर आपके आप बोलते हो कि मैं एच लिमिटेड है और मेरे पास 100%, तो सिंगल शेयर होल्डर हो गया ना, ये ओपीसी हो गया। मैं ओपीसी की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहा हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर, यस। तो अवधूत आपका राइट आंसर है, ठीक है ना सर। यहाँ पे नॉमिनी डालते हैं, नॉमिनी, नॉमिनी शेयर होल्डर होता है, मतलब वो शेयर होल्डर होता है लेकिन ही वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। उसको 1 शेयर 2 शेयर दिया जाता है जस्ट फॉर नेम से, ओके। और उससे भी वो स्टैम्प पेपर पे लिखा के लिया जाता है कि भैया आप इसके ओनर नहीं हो, आपके इसका ओनर तो जो है वो होल्डिंग कंपनी ही है, ओके। वो सब डिक्लेरेशन है। तो दीज आर नॉमिनी शेयर होल्डर्स। तो पहले तो ये कंपनी लॉ का मैंने आंसर कर दिया। अब मुझे बताओ, ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी, ये 100% है। सौम्या जी होंगे तो बता देना, मैं लेक्चर में हूं, उनका मुझको फोन आया था। ये होल्डिंग और कंपनी 100% है इसके पास, तो लीगली तो ये दो अलग अलग कंपनी है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड दो अलग अलग कंपनीज है। लेकिन आप अगर लीगल लॉ हटा दो, लॉ हटा दो, तो क्या ये दो अलग अलग कंपनी की एक ही कंपनी है? ये 100% है इसमें होल्डिंग, 100% होल्डिंग है। तो अगर होल्डिंग कंपनी से, कंपनी के बैलेंस शीट में से कोई असेट इन्होंने ट्रांसफर यहां किया, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई असेट ट्रांसफर किया, तो क्या रियल गेन हुआ है यहां पे? सवाल देखो, सिंपल सा है, क्या रियल गेन हुआ है किसी को भी? इट्स लाइक मम्मा ने आपको आज गोल्ड दे दिया, तो घर में आपके मदर ने डॉटर को गोल्ड दे दिया, तो कोई रियल गेन हुआ है किसी को भी? पहले भी घर में ही था, उसी घर में ज्वेलरी रहती थी, अभी भी उसी घर में रहेगी, रियल गेन हुआ ही नहीं है। तो इसको इन्होंने यहां पे बोला टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर सब्सिड, मैंने इसलिए पढ़ाया नहीं आप लोगों को ये चीज, ये तो बहुत आसान है। अब ये सब्सिडरी कंपनी अगर ये मार्केट में सेल कर देगी, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगी? कॉस्ट इसको तो फुकट में मिला, सब्सिडरी कंपनी को लीगली कॉस्ट लेना पड़ेगा ना, इसको कॉस्ट किसका लेगी? होल्डिंग कंपनी का लेगी, प्रीवियस ओनर का लेगी, ठीक है ना। बस आपको इतना समझाना है, बस ये समझ गए ना, तो मेरा काम ही आसान हो गया, समझिए, कैपिटल गेन। और ये नॉर्मल नहीं है, अगेन ये भी एक्सेप्शनल प्रोविजन है। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी इज नॉट नॉर्मल सब्सिडरी। आई हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट नॉर्मल सब्सिडरी, इट्स अ होली ओन सब्सिडरी, 100% सब्सिडरी है ये। कंडीशन क्या है देखो यहाँ पे, द पेरेंट कंपनी एंड नॉमिनी मस्ट होल्ड, तो पेरेंट कंपनी और नॉमिनी मस्ट होल्ड द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड द सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी। अच्छा, इसके आगे बहुत सारे हम सिचुएशन पढ़ने वाले हैं। जैसे ये है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को दिया, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को शेयर दिए, अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेटेड कंपनी को शेयर दिए, डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को शेयर दिए, ऐसा ये सब कुछ उसके कनेक्टेड है। मैं आपको बताना इतना ही चाहता हूं कि ये जो असेट रिसीविंग कंपनीज है ना, असेट रिसीविंग कंपनीज, ये सारी की सारी इंडियन होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल के रखा है कि हम आपको एग्जम्पशन इसलिए दे रहे हैं कि आप इंडियन एंटिटीज को असेट दो। अगर आपने फॉरेन एंटिटीज को असेट दिया तो हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो
जो असेट रिसीविंग कंपनी है वो इंडियन होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला जो असेट ट्रांसफरिंग कंपनी है वो इंडियन होनी चाहिए, ऐसा मैंने नहीं बोला। ट्रांसफरर इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। यहां पे असेट रिसीविंग के साइड पे जो लोग हैं दे आर सपोज टू बी इंडियन कंपनी। इज इट क्लियर? ये कंडीशन क्लियर है कि असेट रिसीविंग कंपनी शुड बी द इंडियन कंपनी। ओके थैंक यू। तो आगे चलता हूं, ये तो रिवर्स है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी चला गया। देन हाँ, यहाँ पे एक बात ये लिखी गई है कि ये जो ऊपर बातें हुई है वो स्टॉक इन ट्रेड पर एप्लीकेबल नहीं होती। स्टॉक इन ट्रेड की हम यहाँ पे बात भी कर रहे हैं क्या? वैसे तो ये एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही है क्या? यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कैपिटल असेट्स की हो रही है कि स्टॉक इन ट्रेड की हो रही है? कैपिटल असेट्स की हो रही है। तो ये जो एक्सेप्शन लिखा है ना, मैं आपको जब बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बीआर करके एक टॉपिक आएगा बहुत बड़ा, तब हम दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे कि स्टॉक इन ट्रेड और स्टॉक इन ट्रेड करके ट्रांसफर किया तो क्या होता है, कैपिटल असेट बोल के किया तो क्या होता है, कन्वर्जन करके किया तो क्या होता है। तो देर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस। मुझको अभी, मैंने जैसे बताया आपको, मैं एक्चुअली इसका एप्लीकेशन आगे पढ़ने वाले हो आप, मुझे अभी 47 खाली खत्म करने दो। चलो आगे चलता हूं। अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है ना, अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी भी क्या होता है? टैक्स नहीं होता ऑब्वियसली। इसमें कौन सी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए बताओ, आप ही बता दो। आईएनजी वाली इंडियन होनी चाहिए कि ईडी वाली इंडियन होनी चाहिए? ईडी वाली इंडियन होनी चाहिए। तो अमालगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। आपको लगता होगा अरे वाह कितना छोटू सा है, इतने आसानी से ये हो गया, ऐसे नहीं है। देर आर लॉट ऑफ कंडीशन जो यहां नहीं लिखे गए हैं, वो सेक्शन 47A में लिखे गए। बहुत सारे कंडीशन है अमालगमेशन के, यहां नहीं दिख रहे आपको क्योंकि इस सेक्शन में नहीं है, 47A में उसके कंडीशन है। तो इसलिए हम इसको अलग से टॉपिक करके पढ़ते हैं, टैक्सेशन ऑफ अमालगमेशन अलग से ही टॉपिक करके पढ़ेंगे हम, तो उसको बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। होल्डिंग ने फ्री में दिया तो दिया, सब्सिडरी सालों बाद होल्डिंग ने उसका पूरा शेयर बेच दिया उसके कुछ। भैया मैं वही बता रहा हूं ना, ये जो आप डाउट पूछ रहे हैं ना कि एक बार शेयर ट्रांसफर किया फिर सेल बेच दिया, शेयर बेच दिया तो क्या होगा, ठीक है ना, ये सब कुछ जो है ना साहब वो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में होगा। वो कंडीशन 47A की आप पूछ रहे हो, कंडीशन वैलिड हो गई, लॉक इन पीरियड है यहाँ पे सब जगह पे 8-8 साल का। देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 88 ईयर्स कि 8 साल तक आपका रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा होल्डिंग सब्सिडरी एंड ऑल। तो अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आगे टाइम आएगा तो पढ़ेंगे, मैं भी वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये खाली बेस है, यहाँ पे खाली बेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, ये डीमर्जर हो गया। अब बताओ ईडी वाली कंपनी इंडियन कंपनी होगी कि आईएनजी वाली कंपनी इंडियन कंपनी होगी? यहाँ पे आईएनजी वाली, क्यों? क्योंकि डीमर्ज कंपनी ट्रांसफरर है, जिसको असेट मिलता है उसको रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं, और रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूं, जितना इस सेक्शन में लिखा है उतना ही पढ़ा रहा हूं, इसके आगे की रिपरकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। अब रिजल्टिंग कंपनी में क्या होता है, शेयर्स इश्यू होंगे। हाँ मैंने पहले, समझिए, मैंने पहले एक्स वाई जी कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक्स वाई जी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, ये लोग ने बाद में कंपनी को डिवाइड किया, एक्स वाई जी में से ये लोग ने, एक्स वाई जी में से इन्होंने बोला एक्स वाई इधर रहेगा, एक्स वाई लिमिटेड, और जी लिमिटेड अलग से बनेगा, इसको डीमर्जर बोलते हैं ना। तो ये जो शेयर होल्डर थे पहले, जो इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, इनके पास एक्स वाई जी का शेयर था। अभी इनके पास दो कंपनी के शेयर्स आएंगे ना, ये जो लोग हैं इनके पास दो कंपनी के शेयर्स रहेंगे, एक्स वाई का भी रहेगा और जी का भी रहेगा, ओके। और जी का शेयर इनको फोकट में मिला होगा। अरे जी का शेयर फोकट में मिला ना, ये जी लिमिटेड जब बनी तो इसने शेयर्स जो है वो इसको ट्रांसफर किए रहेंगे अपने, क्योंकि ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये इसकी ही कंपनी है, इसका ही वेल्थ लेके बाहर गई है, इसका ही एक टुकड़ा है ये जो यहां निकला हुआ है।
तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अब आप प्रीवियस असेट भी नहीं बोल सकते, बताओ क्यों? क्योंकि आपने यहां पे जब यहां पे जो इन्वेस्ट किया था तो ये 100 रुपीज का शेयर आपने लिया था, तब कंपनी का नेटवर्थ जो था 100 करोड़ था। मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं, आपने एक शेयर लिया था 100 रुपीज में, जब कंपनी का नेटवर्थ जो था वो 100 करोड़ था। 100 करोड़ के नेटवर्थ में का इसने 20 करोड़ का नेटवर्थ इस कंपनी को ट्रांसफर किया, तो डीमर्ज कंपनी के पास 80 करोड़ ही बचा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये 100 रुपीज अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये जो 100 रुपीज है, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, ये डिवाइड करना पड़ेगा अभी दो टुकड़ों में। तो रेशियो आपको आपके सामने है, बताइए मुझे ये दो शेयर्स का प्राइस क्या होगा, ये एक्स वाई का प्राइस कितना होगा और जी का प्राइस कितना होगा? रेशियो आपके सामने है साहब, आपके पास पहले एक ही शेयर था 100 रुपीज का, अब आपके पास दो शेयर हो गए, 80-20। इतना इजी में आपने बताया, 80 यहां पे 20 यहां पे। आपको नहीं लग रहा ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्सेप्शनल है? नॉर्मली ऐसा होता है क्या कभी जिंदगी में? आपने एक शेयर लिया, फिर उसके दो हो गए, फिर आपको कॉस्ट को डिवाइड करना है? नहीं। और इसका अगर लीगल प्रोविजन नहीं होगा तो ये पॉसिबल है क्या? अपने मन से करना पॉसिबल है ऐसा? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं, इसका लीगल लॉ होना चाहिए ना। इसलिए कैपिटल गेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मुझे आपको कुछ नहीं बताना है, मुझको आपको हिंट देनी है बस कि कैपिटल गेन कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल प्रोविजन से नहीं हुआ है, कैपिटल गेन कॉम्प्लिकेटेड हुआ है एक्सेप्शनल प्रोविजन से। लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, दुनिया भर का जनरल नॉलेज मिलता है अपने को यहाँ पे। अच्छा ऐसे भी होता है, ओ वैसे भी होता है, ओ इसको डीमर्जर बोलते हैं, हाँ इसको अमालगमेशन बोलते हैं, वो होल्डिंग कंपनी जब 100% होती है तो उसमें नॉमिनी शेयर्स होता है। ये सब जनरल नॉलेज भी देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, इसको भी इन्होंने क्या नहीं किया, टैक्स नहीं किया। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स इन द अमालगमेशन, तो अमालगमेशन और डीमर्जर दोनों में क्या होने वाले, शेयर्स एक्सचेंज होने वाले थे ना, पुराने शेयर्स जाएंगे और नए शेयर्स आएंगे। तो ये शेयर होल्डर को एग्जम्पशन दिया गया इन्होंने, ये दोनों एग्जम्पशन शेयर होल्डर के लिए, ठीक है? चलो आगे चलता हूं। ये एग्जाम्पल भी हम लोग अमालगमेशन में ही पढ़ेंगे, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ेंगे। क्रॉस होल्डिंग समझता है तुम लोगों को? क्रॉस होल्डिंग ऐसे कंपनी का अमालगमेशन होता है जिसमें क्रॉस होल्डिंग होता है। क्रॉस होल्डिंग, इन दो कंपनी का अमालगमेशन होने वाला है, इस कंपनी का इस कंपनी में ऑलरेडी 60% होल्ड है, मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का अमालगमेशन हो रहा है, ऐसा कुछ होता है। जाने तो छोड़ो ना, क्रॉस होल्डिंग करके कुछ होता है, क्रॉस होल्डिंग कंपनीज का अमालगमेशन होता है, जाने दो, इतना टेंशन मत लो। हाँ ऐसा भी होता है, जाने तो छोड़ो, ये भी होता है। इधर देख लेते हैं, एक ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं, ये वाला इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4, एम हेल्ड 2000 शेयर्स इन अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। दिस कंपनी इज अमालगमेटेड विद अनदर इंडियन कंपनी एक्स वाई जी लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, एम वॉज अलॉटेड 1000 शेयर्स इन द न्यू कंपनी। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड वॉज 50,000 हायर देन द होल्डिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो कोई भी आप प्राइस ले सकते हो दो, अगर आपके ओरिजिनल ओरिजिनल शेयर का प्राइस 1 लाख था तो अभी जो मिले उसका 1.5 लाख है, तो हायर आपका 50,000 का बेनिफिट हुआ, या ओरिजिनल का 5 लाख वैल्यू था, अभी जो मिला वो 5.5 का है, तभी भी आपको 50,000 का गेन हुआ है। मतलब मनी मन में आप खुश हो कि आपको जो आपके हाथ में जो नए शेयर आए उसका वैल्यू 50,000 ज्यादा है, तो आप मनी मन में खुश हो कि आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आज आप एबीसी का शेयर लेकर गए थे कंपनी में और एक्स वाई जी का लेकर आए हो, शेयर सर्टिफिकेट का नाम चेंज हुआ है बस, क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं? नहीं। द एओ प्रपोजेस टू ट्रीट दिस ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सचेंज एंड 50,000 टैक्स एज अ कैपिटल गेन, इज ही जस्टिफाइड? बिल्कुल भी नहीं, इज नॉट जस्टिफाइड, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो एग्जाम में क्या लिख कर आओगे, एग्जाम में लिख कर आओगे दिस ट्रांजेक्शन इज कवर्ड बाय सेक्शन 47 एंड एनी ट्रांजेक्शन विच इज देयर इन सेक्शन 47 विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ठीक है ना। और ये ट्रांसफर नहीं है तो ये टैक्सेबल भी नहीं है, तो कब टैक्स होगा? मेरा सवाल यहां पे नहीं रुकता, मैं पूछ रहा हूं फिर कब टैक्स होगा, ये जो गेन हुआ है नोशनल गेन हुआ है ये कब टैक्स होगा? जब ये एक्चुअली एक्स वाई जी के शेयर बेचेगा मार्केट में तो वो रियल सेल प्राइस होगा, और एक्स वाई जी का फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा? प्रीवियस ओनर नहीं रे, प्रीवियस ओनर यही है, प्रीवियस असेट बोलो ना, पा प्रीवियस असेट मतलब एबीसी के शेयर्स की वैल्यू लेगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से काउंट करेगा, करंट असेट से कि प्रीवियस असेट से? पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए प्रीवियस असेट से ही काउंट होगा, ये आपको समझना है या इसके आगे वाला समझना है, ठीक है ना। चलो आगे जाता हूं, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट की तो और भयानक है। एक मिनट में आया मैं। आप लोगों को वो वाला चीज तो पता है ना, अमालगमेशन में अभी हमने अमालगमेशन बता रहा हूँ, कैपिटल गेन में जब हमने चालू किया तो मैंने आपको सेक्शन 91 का जरा हिंट दे दिया, और कुछ बच्चों को तो मैंने 91 पढ़ाया भी है, ठीक है ना, इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया वाला। तो आपको मैंने कल ये बताया कि अभी गवर्नमेंट ने लॉ प्रपोज किया है, अमेंड किया है 2012 से, और अगर कोई भी शेयर अगर अपनी वैल्यू डिराइव करता है, कोई भी शेयर अपनी वैल्यू डिराइव करता है इंडियन असेट से, कोई भी शेयर या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको दोनों पता है ना, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट है, और इनडायरेक्टली मतलब पहले आपने ये शेयर का इन्वेस्टमेंट किसी ये शेयर में और ये शेयर इंडिया से वैल्यू डिराइव कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये दोनों सुना है आप लोगों ने। अरे या तो आपका शेयर डायरेक्टली वैल्यू इंडिया से डिराइव कर रहा है और इनडायरेक्टली इंडिया से वैल्यू डिराइव कर रहा है, इन दोनों केस में ये जो शेयर है ये टैक्सेबल हो जाता है ना इंडिया में, ये शेयर टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बॉन्ड वगैरह इशू किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बॉन्ड्स वगैरह इशू किए, फॉरेन में इशू किए, ठीक है ना। अब फॉरेन में इशू किए मतलब एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड सेल कर रहा है, तो इंडिया ये वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है तो वैल्यू तो इंडिया से डिराइव हो रहा है ना, तो टैक्स होना चाहिए कि नहीं इंडिया में? वन नॉन रेसिडेंट इज ट्रांसफरिंग इंडियन गवर्नमेंट का शेयर या बॉन्ड, बॉन्ड या जो भी उन्होंने सिक्योरिटी निकाली होगी तो टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन अगर इनको हम टैक्स करेंगे, ट्रांसफर और ट्रांसफरी को इनको टैक्स करेंगे तो विल दे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड या इंडियन एंटिटीज का बॉन्ड? बाय करेंगे क्या? उनको अच्छा लगेगा? अच्छा, उनको अपना देश भी टैक्स लेगा, उनका जो देश है वो टैक्स लेगा उनसे, देयर कंट्री विल टेक टेक द टैक्स क्योंकि वो वहां के रेसिडेंट है,
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टैक्स मांग रहा है, चलेगा क्या ये चीज? मतलब इनकरेजमेंट होगी कि डिस्करेज करोगे आप? विल यू एनकरेज नॉन रेसिडेंट टू परचेस इंडियन शेयर्स और इंडियन बॉन्ड्स, और विल यू डिस्करेज देम? एनकरेज करना है कि डिस्करेज करना है, उतना ही बता दो, उससे वो लिंक हो जाता है। हमने जब बॉन्ड बाहर इशू किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाहर बॉन्ड इशू किए, तो वी वॉन्ट मनी बैडली, दैट्स द रीजन वी आर इशूइंग बॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई इंटरनेशनल लेवल पे बॉन्ड इशू हुए, क्यों हुए रहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए ना रे, फॉरेन करेंसी चाहिए ना इंडिया में, तो एनकरेज करेंगे कि डिस्करेज करेंगे? इतना खाली बता दो, ये बॉन्ड जो बाहर जा रहे हैं इसको एनकरेज करेंगे फॉरेनर को लेने बोलेंगे कि बोलेंगे नहीं नहीं मत लो? तो एनकरेज कैसे करते हैं, इनकम टैक्स कैसे इनकरेज करता है? एक तो अच्छा रिटर्न दे के इनकरेज किया जाता है, बहुत अच्छे रिटर्न आपको देंगे साहब, वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न देंगे, और दूसरा टैक्स बेनिफिट देंगे। वैसे तो ये बॉन्ड इंडिया में टैक्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये इंडिया से वैल्यू डिराइव करता है, लेकिन इसको टैक्स नहीं किया गया है। देखो ना आप, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये नॉर्मल कंपनी का शेयर नहीं है, ये गवर्नमेंट का शेयर है। शेयर मतलब मैं शेयर बता रहा हूं, सिक्योरिटी बॉन्ड डिबेंचर कुछ भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया बाय ए नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। तो कितने कंडीशंस हो गए यहाँ पे? चार कंडीशंस हो गए। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना चाहिए, दूसरा ये ट्रांजेक्शन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तीसरा कंडीशन ट्रांसफर और नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, फोर्थ कंडीशन ट्रांसफर ही भी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। ओके तो टैक्स नहीं लेंगे हम उनसे, इनकरेजमेंट दिया है और कुछ नहीं। फिर आरबीआई ने कोई बॉन्ड निकाले थे जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसका एग्जम्पशन आरबीआई देता है ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल को, और वो भी खाली रिडम्पशन पे। तो यहां पे कितने कंडीशन हो गए, यहां पे कितने कंडीशंस होंगे? तीन, ठीक है ना? पहला कंडीशन तो ये कि जो असेट है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है, ठीक है ना? दूसरा कंडीशन ये कि असेसी जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब कंपनी एलएलपी पार्टनरशिप फर्म को ये बेनिफिट नहीं है। तीसरा, ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा है इस बॉन्ड में, मतलब अभी लिया 2 दिन के बाद बेचा, ना ना ना, इसने लेके रख दिया अपने पास, अब ये रिडम्पशन होगा इसका, तो इसका रिडम्पशन, वैसे तो बॉन्ड का रिडम्पशन टैक्सेबल होता है, वैसे तो नॉर्मल बॉन्ड्स का, नॉर्मल डिबेंचर का रिडम्पशन टैक्सेबल होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन टैक्सेबल नहीं करना था, एनकरेज करना था लोगों को, इसलिए लिया गया ये चीज, ठीक है? फिर कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा, हाँ ये अमेंडमेंट आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू ई गोल्ड या ई गोल्ड टू नॉर्मल फिजिकल गोल्ड, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने अभी बीच में 2015 में वो एक स्कीम लाया था, उसके जैसा ही ये स्कीम है, समझिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। कुछ नहीं, आपके घर पे जो सोना पड़ा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अगर उसको ही लेकर आओगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट एंटिटीज के पास या जहाँ पे ये वॉल्ट मैनेजर वगैरह जो भी लोग हैं, तो आपका गोल्ड मेल्ट करके हम उसको ई गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और हमारे पास गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा देश के पास, और आपका पैसा भी, मतलब जो गोल्ड में आपका पैसा लगा हुआ है वो इकोनॉमी में रोटेट होना चालू हो जाएगा। अभी आपके घर में जो सोना आपने लेके रखा है वो डेड इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा रोटेट नहीं हो रहा है, तो वी वॉन्ट दैट यू नो असेट टू बी इन मार्केट, रोटेशन जितना ज्यादा होगा उतना इकोनॉमी को हेल्प होता है। तो ये कन्वर्जन को इन्होंने अगर टैक्स कर दिया होता, तो आज आप गोल्ड लेके जा रहे हो दुकान में, यहाँ यहाँ पे भी ये वॉल्ट मैनेजर वगैरह है, ठीक है ना, आप गोल्ड लेकर गए उससे रिसिप्ट लेकर आए, तो ये एक्सचेंज होता है एक्चुअली, क्योंकि वो बॉन्ड जो है, ये रिसिप्ट जो है वो अपने आप में असेट है और गोल्ड भी असेट था, लेकिन आपको रियल में गेन हुआ है क्या मुझे बताओ? आज आपने खाली अपने गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में कन्वर्ट करके ले लिया है, तो रियल रियल में कोई फायदा हुआ है क्या? रियल में कोई फायदा नहीं हुआ है, ठीक है, चलो आगे चलता हूं। आपको पता है डीजे साहब टैक्सेबल है? डीजे साहब ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड आर्ट वर्क, ये टैक्सेबल है, भले ये पर्सनल मूवेबल असेट है फिर भी ये एक्सेप्शंस थे, तो ये टैक्सेबल है, लेकिन ये सेल करोगे तो टैक्सेबल है। तो मैंने आपको शिवाजी महाराज, अपन महाराष्ट्र में तो अपन शिवाजी महाराज की थोड़ी ज्यादा इज्जत करते हैं, तो शिवाजी महाराज का कोई असेट आपके पास है, शायद आप उनके एंसेस्ट्रल हो, या आपके घर के जो दादा परदादा जो भी थे उन्होंने उनके यहाँ पे काम किया था, तो यू हैव सम असेट विच बिलोंग्स टू देम, तो
या तो राज मुद्रा ही आपके पास है। राज मुद्रा पता है ना, शिवाजी महाराज ने जो करेंसी लॉन्च की थी उसको हम क्या बोलते हैं, राज मुद्रा बोलते हैं। आई एम नॉट गुड गुड इन पेंटिंग। राज मुद्रा मतलब ऐसा, अपना खुद का महाराष्ट्र का एक ये था, करेंसी था, उसको राज मुद्रा हम बोलते हैं। तो आपके घर में कुछ राज मुद्रा है, आपको पता है ये मार्केट में बेचोगे आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा इसका, यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्राइस। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार पैसे तोड़ने का, ये कुछ कुछ चीजों के पैसे नहीं कमाए जाते। आपको लगता है कि उस टाइम का जो इतिहास है वो लोगों तक पहुंचे, वो लोग देखे, पब्लिक एट अ लार्ज उसका बेनिफिट ले, तो आपने इसको नेशनल आर्ट गैलरी को दिया एग्जीबिशन के लिए कि आपके पास रखी है, जब अगली पीढ़ियां आते रहेंगी वो आके देखते रहेंगे कि अच्छा ऐसा चल रहा है। तो आपने अच्छा काम किया कि नहीं किया? आप सेल भी कर सकते थे, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने नेशनल आर्ट गैलरी को, आपका जो है, जो आपके पास जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है वो आपने नेशनल आर्ट म्यूजियम को दिया या नेशनल आर्ट गैलरी को दिया, तो बताइए आपने अच्छा काम किया कि नहीं? गवर्नमेंट अगेन इस एक्ट को एनकरेज करेगा कि नहीं? रखने नहीं दिया, ट्रांसफर कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो जाएगी अभी। आप बोलते हो मेरे पास क्या ये करना है, जाने दो इसको, दे दो। और गवर्नमेंट आपको पैसा भी देता है, उसका कंसिडरेशन देता है, हाँ उतना नहीं देता जितना ऑक्शन में आपको मिलता। यू विल गेट सम रेम्यूनरेशन आउट ऑफ इट, सम कंसिडरेशन आउट ऑफ इट। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेना चाहिए क्या? जल्दी बोलो, आपने गवर्नमेंट को ही ये सब ट्रांसफर किया है, आर्ट वर्क, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुक्स वगैरह अगर कुछ होंगे पुराने बुक, मतलब अभी अपने मॉडल जाके मत दे देना, सर जी नेशनल आर्ट गैलरी में रखिए मेरे मॉडल। हाँ, मॉडल की बात नहीं हो रही है, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट, मतलब कोई चीज है जो देखने लायक है, मॉडल कहां से देखने लायक हो गए? हाँ तो ये जरा समाज के लिए इन्होंने एग्जम्पशन रखा हुआ है। आप मुझे डिबेंचर के अलग अलग टाइप बता सकते हो? डिबेंचर के व्हाट आर द वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, शॉर्ट में भी लिखोगे मुझको पता चल जाएगा। वो बोल रहे हैं बीस पच्चीस बहुत बढ़िया। आपने मुझको अलग अलग चीजें बताई, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कोई बता रहा है क्या? डिबेंचर इश्यू हुआ है तो सालो हमेशा रिडीमेबल, कभी तुम्हारे ऐसी कौन सी कंपनी है रे जो डिबेंचर इश्यू किया नॉन रिडीमेबल, बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हो नालायक लोग, रिडीमेबल नॉन रिडीम, डिबेंचर है लाइबिलिटी तो रिडीम कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ 12th में ऐसा पढ़ा था एसपी में, वाह वाह वाह। मैं इश्यू करता हूँ ना तुझको डिबेंचर इरिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, मेरे को पैसे देना, रिडीम करने कभी नहीं आने का मैं आज ही इश्यू करता हूँ एलिट गुरुकुल की डिबेंचर नॉन रिडीमेबल। इंटरेस्ट रेट में अपने हिसाब से देगा ना, इंटरेस्ट रेट कैसे 20% देगा, मार्केट से ज्यादा थोड़ी ना क्या देगा, मार्केट से कम भी नहीं देगा, मार्केट से ज्यादा भी नहीं देगा। ओके पैसे ही नहीं है बोल रहा है तो इसमें एक आपने टाइप बोला कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि आप डिबेंचर को आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना?
मुझे इसका आपको लॉजिक बताना था कि ये क्यों होता है। आपको पता है ना, जिनके यहाँ पे मैंने आर्टिकल शिफ्ट किए, ही इज इन्वेस्टमेंट बैंकर, मताप सर इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो मैंने उनको ऐसा सवाल पूछा था, ये क्या है, ये कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, क्योंकि उसकी एंट्री मारने के लिए बड़ा दिक्कत आती थी मुझे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में। तो सर को बताया था, तो सर ने मुझे पूरा लॉजिक समझाया था कि मार्केट में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का होना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को तो अभी मेरे प्लान के बारे में पता ही है, कुछ रिकॉर्डेड लाइन पे कुछ बच्चे देखेंगे, तो क्विकली मैं बता देता हूँ अपना अगला प्लान क्या है। कि अपने को 2-3 एकड़ का जमीन होगा गुरुकुल का, ठीक है ना, 3 एकड़ का जमीन होगा, इस पे बॉयज हॉस्टेल, इस पे गर्ल्स हॉस्टेल, इस पे फैकल्टी हॉस्टेल, ठीक है ना, इस पे स्टाफ क्वार्टर्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कॉर्नर में कॉर्पोरेट बिल्डिंग, और बाकी कॉमन फैसिलिटी के लिए ये जगह। ऐसा अपना प्लान है कि भैया सुबह उठो, सुबह 5 बजे उठो, 9 बजे तक पढ़ाई करो, 9 से 10 आपका लंच हो जाएगा, 10 से 6 ऑफिस करो, 6 से 7 डिनर कर दो, और 7 के बाद आपको फ्री एक्टिविटी करने के लिए। हाँ ऐसा, हाँ एक साथ रखो हॉस्टल, ओके, बॉयज हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल मिक्स कर दिया, ओके खुश, हाँ थैंक यू, हाँ, एक साथ रखो बोला। क्या नाराज नहीं है, तुम्हारी भी माननी पड़ेगी ना, तुम भी तो हॉस्टल डेज देख रहे रहोगे आजकल, ठीक है। हाँ तो मैंने बिजनेस चालू करना है रे गुरुकुल, जहाँ पे लोग ट्रांसफॉर्म हो करेंगे, ट्रांसफॉर्म अपने आप को, ठीक है ना। तो ये ऐसा एक प्लान है, ठीक है। इसके कुछ रेवेन्यू टारगेट्स है, इसके रेवेन्यू टारगेट्स का प्रॉफिट मार्जिन, दिस हैज टू बी प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 30% पे चलेगा, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है, ठीक है, और इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासे होने वाली है, ठीक है ना। एवरी ईयर वी विल ग्रो एटलीस्ट 50 to 100% हमारी जो ग्रोथ होगी, मतलब अगर इस साल का टर्नओवर हमारा 5 करोड़ होगा, तो उसके अगले साल का टर्नओवर 10 करोड़ होगा, इस ग्रोथ में हम बढ़ने वाले स्टार्टिंग में। तो बहुत अच्छा आइडिया है हमारा, ठीक है ना। और इसी में कॉर्पोरेट बिल्डिंग में ऑफिसेस कौन से होंगे, सीए का ऑफिस होगा, सीएस का ऑफिस होगा, सीएमएस का ऑफिस होगा, लॉयर्स का ऑफिस होगा, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का ऑफिस होगा, ऐसे अलग अलग बिजनेसेस होंगे जो इस बिल्डिंग में रहेंगे, वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस, मेनली सर्विस इंडस्ट्री, और बाद में हम लोग कुछ ना कुछ गुड्स इंडस्ट्री में भी इंटर करने वाले। ओके ये बात हो गई, बहुत अच्छा प्लान है। आप लोग सब लोग मुझे इसके लिए इक्विटी दो ना, बहुत रिस्की बिजनेस है, लेकिन शायद चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, चलेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा, नहीं चलेगा तो मैंने जितना जिंदगी में अब तक कमाया सब जाएगा। इक्विटी में इन्वेस्ट करो ना कंपनी के, स्टार्टअप है, अरे मान लेना गरीब, हाँ मान लेना तेरे पास पैसा है, सीए बनने के बाद तो होगा, सीए बनने के बाद तो लाखों जब कमाएगा तब तो होगा, तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी क्या मांग लू, आर्टिकल से क्या ही पैसे मांगू, होना ही चाहिए, तभी बहुत सारे पैसे होंगे आपके पास, करोड़ों के पैसे, समझो आप पैसे बहुत है आपके पास, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं मांग रहा हूं तो दे दोगे क्या, लेकिन मैं बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट थोड़ा रिस्की है। अरे अरे स्टार्टअप है तो रिस्की होता है ना, वैसे तो ये स्टार्टअप नहीं है, लेकिन स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस है, नया बिजनेस है तो रिस्की होता है। फिर भी कुछ बच्चे दे देंगे, मैं आपको बता देता हूं, समबडी हु इज रियली इंटरेस्टेड इन टू इट, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी सीए फर्म है, उसमें हम आपको पार्टनरशिप देंगे, 1% का पार्टनरशिप देंगे, लेकिन मुझको 1 करोड़ चाहिए, पीपल विल टेक ना 1% का, इस्टेब्लिश फर्म में पार्टनर बनने के लिए 1% का 1 करोड़ तो दे ही देंगे यार। अभी आपने स्टार्टअप वो शार्क टैंक में नहीं देखा क्या, अंडरवेयर बनाने वाली कंपनी है, शूज बनाने वाली कंपनी है, वो साला 1-1%, 2-2% के लिए 2-2 करोड़ लेके जाते हैं। हाँ हम लोग यहाँ पे सीए बना रहे हैं, लोगों की कंसल्टेंसी चला रहे हैं और पार्टनरशिप दे रहे हैं, पुरानी फर्म है, मल्टी स्टेट फर्म है, आगे जाके होपफुली मल्टीनेशनल हो जाएगी। हाँ दुबई में इसका हेडक्वार्टर होगा, आप जैसे बड़े बड़े बच्चे जब आएंगे मार्केट में तो अपन लोग जाएंगे ना, कुछ लोगों को अफ्रीका में भी जाना है। हाँ तो बड़ा फर्म बनाएंगे, रशिया बोलता हूँ बाबा, ठीक है ना, तुझे रशिया भेजता हूँ, ओके, रशिया का ब्रांच टू, मतलब वहां पे सीए फर्म चलानी है, बिजनेस मॉडल पता है ना, हम लोग सीए फर्म ऑडिट वगैरह करते हैं, ऑडिट ऑडिट टैक्सेशन वो करना है, बड़ा यूरोपियन नेशन में तुझे इंटरेस्ट है, चलो आगे जाते हैं।
वो जाने दे छोड़। इक्विटी में पैसे लगाना रिस्की होता है कि नहीं मुझे बताओ। तो ये शार्क टैंक वगैरह पे या स्टार्टअप कल्चर में लोग पैसे क्यों लगाते हैं? उनको जब पता है कि रिस्की है, हाई रिस्क है, सबसे हाई रिस्क इक्विटी में होता है और वो भी स्टार्टअप इक्विटी में होता है, तो क्यों लगाते हैं? हाई रिस्क विल गिव व्हाट? हाई रिस्क विल गिव देम हाई रिटर्न। कितना टाइम्स? कोई कोई स्टार्टअप 100 टाइम्स देता है, 100 टाइम्स। मतलब अगर आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता है ना, तो 5 साल 8 साल में वो 1 लाख का हो जाता है। 5 से 8 साल में 100 टाइम्स रिटर्न, 100 टाइम्स ह्यूज। मतलब अगर आपने 1 करोड़ लगाया होगा तो आज आप 100 करोड़ लेके निकलोगे। नहीं, हाँ बरोबर, 1 करोड़ लगाया होगा तो 100 करोड़ लेके निकलोगे। इतना रिटर्न पोटेंशियल होता है स्टार्टअप में। लेकिन फिर भी इतना बोलने के बाद भी रिस्क तो रिस्क होती है ना, तो आपको रिस्क नहीं चाहिए लेकिन रिटर्न चाहिए और इन्वेस्ट भी करना है इस प्रोजेक्ट में, तो डिबेंचर इश्यू करता हूं। आप बोलते हो सर मेरे को फिक्स रिटर्न चाहिए, मैं अगर बैंक में पैसे रखता मेरे को 6% मिलता, आप मेरे को 8% दे दोगे, मैं आपको मेरा पैसा दे देगा, तो मैं आपको क्या इश्यू करूं? तो मैं आपको डिबेंचर इश्यू करूंगा। लेकिन अगर आज आपने 100 रुपीज का डिबेंचर ले लिया, 5 साल के बाद प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल गया और आप रिडीम करने आए, तो आपको मैं रिटर्न कितना दूंगा? हर साल में 8% दे रहा हूं, वो छोड़ दो, तभी आपको 100 ही मिलेगा। तब आपको बुरा लगेगा कि नहीं? तब बुरा लगेगा कि नहीं? 1,000 रुपए का इक्विटी शेयर आज 1 लाख रुपए का हो गया है, क्योंकि इक्विटी है वो, डिबेंचर का थोड़ी ना क्या मार्केट प्राइस चेंज होता है। 5 साल के बाद आप क्या बोलते मुझको? क्या डिस्कशन होता अपना? काश मैंने बात आपकी सुन ली होती राम सर, काश मैंने एलीट गुरुकुल के इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता, आज मैं अमीर होता सर, आज मैं करोड़पति होता। तो ये काश की बातें अगर बाद में नहीं करनी है, तो आज ही हम लोग क्या बात करेंगे कि आपके पास अगर 5 साल के एंड पे दो ऑप्शन होंगे तो आपके पास कितना अच्छा होगा? कि गिवन अ चॉइस, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 5 साल के बाद डिबेंचर को रिडीम कर दो, या तो डिबेंचर को कन्वर्ट कर दो इक्विटी में। ये कितना बढ़िया ऑप्शन लग रहा है आपको, बताइए। अब आप बताइए रिडीम कब करोगे? आज आपने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, रिडीम कब करोगे आप? डिबेंचर में आज इन्वेस्ट किया, रिडीम कब करोगे आप? डिबेंचर में आज इन्वेस्ट किया, रिडीम तभी करोगे जब नहीं, 5 साल के बाद ही होगा, तो 5 साल का तो लॉक इन पीरियड, लेकिन कब करोगे? जब आपको पता है कि इसके इक्विटी में ताकत नहीं है, ये कंपनी का प्रोजेक्ट चला नहीं, इतना मजेदार नहीं है, अपना पैसा लो निकलो। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने हमेशा क्या बोला है, एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मतलब आपको बेयर मिनिमम क्या चाहिए? अरे बेयर मिनिमम क्या चाहिए? बेयर मिनिमम आपने मार्केट में गलत चीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अभी तुमको क्या चाहिए? अभी रिटर्न्स नहीं चाहिए आपको भैया, जो पैसा गया उतना तो दे दो, प्रिंसिपल अमाउंट तो दे दो मेरे को, ठीक है ना? तुमने किसी को बैच पे पैसा दिया, अभी वो तुमको बैच देना बंद कर दिया, इंटरेस्ट देना बंद कर दिया, तुम अभी उसे इंटरेस्ट नहीं मांगते, हाथ जोड़ के मांगते हो भैया मेरा प्रिंसिपल तो दे दे, इंटरेस्ट रहने दे। तो ऐसा अगर दिन आता है, अगर दिन खराब हो जाते हैं तो डिबेंचर को रिडीम किया जाता है ऐसा, और अगर दिन अच्छे आ जाते हैं, हर कंपनी का एक स्ट्रगल पीरियड होता है, स्ट्रगल पीरियड के बाद बहुत अच्छे दिन आते हैं, पूरे रात के अंधेरे के बाद सवेरा होना ही है। कंपनी अगर 5 साल 6 साल 8 साल टिक गई तो उसकी इक्विटी में वैल्यू आनी ही है, इनएविटेबल है, वो वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है कंपनी के शेयर्स की। तब आपके पास चॉइस होना चाहिए कि 5 साल तक जब तक रिस्की पीरियड था तब तक तो कम से कम मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड था, अब कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़िया बन चुकी है, अब मेरे को पैसे में इंटरेस्ट नहीं है साहब, अब मार दो इक्विटी में कन्वर्जन। ये समझ में आ रहा है आपको?
इन्वेस्टमेंट रेज करने का सबसे बढ़िया ऑफर ये होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर में लॉस भी तो होगा कुछ, कंपनी जब आपको इतना बेनिफिट दे रही है तो आपका कुछ ना कुछ लॉस भी होना चाहिए। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मार्केट में अगर 8% 10% पे इश्यू होते हैं, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर 4% 5% पे इश्यू होते हैं, मतलब इसका रेट ऑफ रिटर्न कम होता है। इस ओके टू लूज 1 or 2% नो, चलता है ना यार, थोड़ा इंटरेस्ट ही तो कम मिल रहा है, बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इक्विटी का सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यस तो मैंने आपको देखो, एक तो मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ानी थी कि कन्वर्जन क्या होता है, लेकिन मैंने खाली कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाई, आपको प्रैक्टिकल भी बताया कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कन्वर्टेबल डिबेंचर कब यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे जनरल नॉलेज, क्योंकि आगे जाके आप कंसल्टेंसी के बिजनेस में आने वाले हो ना, ये सब पता नहीं रहेगा तो कंसल्टेंसी कहां से दोगे आप। तो इनकम टैक्स खाली टैक्स के नॉलेज के लिए नहीं पढ़ने का, अब टैक्स का नॉलेज भी बता दो सर, उसके लिए ही पैसे देके भाई बेटे आपके लेक्चर में। भैया जिस दिन आप ये डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे उस दिन आपको पैसे मिले क्या? अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, पैसे मिले क्या आपको? कैपिटल गेन लगना चाहिए क्या? लेकिन एक्सचेंज तो हो गया ना, डिबेंचर गया और रिटर्न में क्या आया आपके पास? इक्विटी। डिबेंचर गया और आया आपके पास इक्विटी, एक्सचेंज तो हो गया। और आपको पता है डिबेंचर का वैल्यू और इक्विटी के वैल्यू में डिफरेंस होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा, कहां 100 रुपए का डिबेंचर, कहां 1 लाख रुपए का इक्विटी। तो आज खुश तो बहुत रहोगे आप, क्या आज आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपने अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उस खुशी को हम टैक्स कर सकते हैं क्या? ये खुशी रियल खुशी है कि नोशनल खुशी है? क्या सच में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं? नहीं आए। तो इस दिन पे ये टैक्स अगर हो जाता, कन्वर्जन टैक्स हो जाता, तो अगेन मार्केट में ये डिस्करेज हो जाते हैं ना इस टाइप के सिक्योरिटीज। कन्वर्जन अगर देखो, एक तो इनकरेजमेंट डिस्करेजमेंट भी सोचना होता है, एक तो टैक्स सोचना होता है, बिजनेस सोचना होता है, और एक गवर्नमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है। गवर्नमेंट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को मार्केट में इनकरेज करेगा कि डिस्करेज करेगा? इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड, इसको हम लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। इसमें इक्विटी का भी, इट हैज इक्विटी वाला कंपोनेंट ऑल्सो, इक्विटी के फीचर भी है और डिबेंचर के फीचर भी है, इट्स अ हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट इसको इनकरेज करेगा, क्योंकि लोग पहले 5 साल में, 5 साल 6 साल प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, गवर्नमेंट इनकरेज करेगा। तो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया, बोला जो कन्वर्जन है ना साहब, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये जिस दिन कन्वर्जन हुआ ना, ये 47 में डाल दिया उन्होंने, कन्वर्जन टैक्सेबल नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम समझो अभी आप, मेरा प्रॉब्लम 47 से नहीं है। 47 बोलने के लिए तो मुझे 2 मिनट लगता, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल इक्विटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर इन इक्विटी शेयर इज नॉट अ ट्रांसफर, हो गया, इतना ही बोलना था मुझे। यस बहुत बढ़िया यश, आप पहुंच गए वहां पे। अगर ये इक्विटी आगे सेल होगा, जब इक्विटी आगे सेल होगा, तो इसका तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल ही जाएगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी कुछ ना कुछ होगा, नेट कंसिडरेशन तक मैं पहुंचे जाऊंगा, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा, ये सवाल है। ये तो मुझे फ्री में मिला था, फ्री में मिला था मतलब कन्वर्जन पे मिला था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा? डिबेंचर का कॉस्ट क्या ये नॉर्मल है? जल्दी बोलो, ये नॉर्मल है क्या? इक्विटी के सेलिंग प्राइस में से आप डिबेंचर का कॉस्ट माइनस कर रहे हो, ये नॉर्मल है कि एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, कैपिटल गेन इज द चैप्टर ऑफ एक्सेप्शन। मैं हर जगह पे लॉ पढ़ाऊंगा, लॉ का एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, ये जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ एक्सेप्शनल है। और बताइए, मार्केट में टैक्स कंसल्टेंट लोग ये कर पाएंगे क्या? मतलब जो नॉर्मल टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं अकाउंटेंट लोग, जो टैली सीख के अकाउंटेंट बनते हैं, क्या इनको ये सब पता है कि ये कैसे करना है? तो आपको नहीं लग रहा कैपिटल गेन कैन बिकम योर एक्सपर्टीज? हाँ, सीए में भी कुछ सिलेक्टेड लोगों को ये पता है, तो डोंट यू थिंक इट कुड बिकम, एंड आई एम टॉकिंग वेरी सीरियसली, हाँ, कि कैपिटल गेन कैन बी योर मार्केट। इसको हम ब्लू ओशन बोलते हैं, पता है ना आपको ब्लू ओशन एंड रेड ओशन क्या होता है? रेड ओशन मतलब जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे जीएसटी का काम करने वाले लोग, बहुत कंपटीशन पड़ा है, ये तू कितने में रिटर्न फाइल करता है, 1000 रुपए में, वो देख वो 300 रुपए में कर रहा है,
हो गया रेड ओशन। और अगर आपको इसकी मास्टरी आ गई, आपको कैपिटल गेन की मास्टरी आ गई, तो आप इसको एक बिजनेस मॉडल बना सकते हो कि मार्केट में किसी भी सीए के पास कैपिटल गेन का काम आने दो, वो आपको ढूंढते हुए आना चाहिए कि सर आपकी कंसल्टेंसी लगेगी सर इसमें, जो भी आपके चार्जेस है मैं भरने के लिए रेडी हूँ, काम पूरा मैं हैंडल कर लूंगा, खाली मुझे कंसल्टेंसी दो, जो भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत बड़े बड़े लेवल का प्लानिंग होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे होते हैं, स्ट्रक्चरिंग होते हैं। ओके, तो ये तो बात एकदम आसान हो गई अभी आप लोगों के लिए, मैंने पर्पज ही पढ़ा दिया, तो भैया अभी इसके आगे क्या बताऊं आपको। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, इसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। ठीक है, फिर एक रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी भी है, एग्जाम में 2-3 बार आके भी गया है, तो पढ़ा देता हूँ रिवर्स मॉर्गेज भी क्या होता है। रिवर्स मॉर्गेज छोड़ के और क्या बचा है क्या कुछ आगे? चलो पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बता दो मुझे, पहले मैं इलस्ट्रेशन 7 ले लेता हूँ, फिर रिवर्स मॉर्गेज पढ़ाता हूँ आपको, है मेरे पास टाइम है उतना। एग्जामाइन विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सच और झूठ का सामना। पहला बताओ, अलाइनेशन, अलाइनेशन मतलब ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन अ रिवर्स मॉर्गेज। अरे यार ये रिवर्स मॉर्गेज का है, इसको छोड़ दो। दूसरा बताओ, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यस और नो? जीरो कूपन बॉन्ड जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 14 मंथ है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यस, क्योंकि 12 महीने में कौन कौन था? लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, और एक नया अभी यूलिप आया हुआ है, वो इंश्योरेंस होती है लेकिन वो भी यूनिट ही है। देखो ना यूलिप का फुल फॉर्म क्या, यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, यूनिट मतलब उसमें भी यूनिटी वर्ड आ गया, तो ये कुछ यूनिट्स होते हैं, तो ये बरोबर है, राइट है। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट और बेनिफिट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन। हाँ जी, मैच्योरिटी के पहले इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जीरो कूपन बॉन्ड का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको मैच्योरिटी तक वेट करना ही पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 5 ही करते हैं, ठीक है ना। मिस्टर ये परचेज गोल्ड, आपको बताना कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा। यूलिप का मतलब बोनस इंश्योरेंस का, हाँ बोनस इंश्योरेंस जो रहता है ना उसमें, मतलब एक्चुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पैसे आपसे 10,000 इंश्योरेंस के नाम से लेते हैं, लेकिन 8,000 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करते, 2,000 रुपया खुद के पास रखते, मतलब इंश्योरेंस के नाम से रखा जाता है, वो देखेंगे अपन लोग। हाँ, जीरो कूपन बॉन्ड बेचोगे तो आपने ट्रांसफर कर लिया तो आपको कैपिटल गेन लग जाएगी, यस। बेचो या रिडीम करो दोनों में टैक्स है। आगे, मिस्टर ए परचेस ऑफ गोल्ड इन 1970, जैसे 1970 आता आपके मन में एक पढ़ाई आ जाना चाहिए, बिफोर 1/4/2001 है ना, ये बिफोर 1/4/2001 है, इमीडिएटली आपको पता चलना चाहिए इसका, अभी हमको मार्केट वैल्यू ढूंढना पड़ेगा अगर ये टैक्स करना है तो, फिर एफएमई तो ये सब ऐसा चलना चाहिए, इसका इधर काम नहीं है कुछ भी, लेकिन बता रहा हूँ। मिस्टर ए परचेस गोल्ड इन 1970 फॉर 25,000 इन 23-24 ही गिफ्टेड इट टू हिज सन, गिफ्टेड किया इसने, बच्चे को गिफ्ट किया है, और जब गिफ्ट किया था तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया था, क्या सच में पापा को फायदा हुआ है? कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, तो पापा को टैक्स लगाएंगे क्या? नहीं, ट्रांसफरर को टैक्स नहीं लगाएंगे, क्यों? 47 में कवर्ड है, और बच्चे के हाथ में लगाएंगे क्या टैक्स? ट्रांसफर ही को लगाएंगे क्या टैक्स? नहीं लगाएंगे, क्यों? 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 है, रिलेटिव है, पापा से गिफ्ट आया हुआ है। हाँ वही अगर बाजू वाली को देते तो, नेबर को देते तो ये जो ट्रांसफर ही है उसके हाथ में टैक्स लग जाता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ ट्रांसफरर को टैक्स नहीं लगेगा। अ प्रॉपर्टी इज परचेस्ड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1945 फॉर 20,000, इट इज गिवन टू द फैमिली मेंबर एट अ टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के टाइम पे दिया जब फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख थी। बोलो एचयूएफ के हाथ में गेन टैक्स होगा क्या? इतना बड़ा गेन हुआ 20,000 में था? नहीं साहब, ये भी 47 है, पार्टीशन टैक्सेबल नहीं है। मिस्टर बी परचेज फॉर 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, 50 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स उसने लिया था भैया, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन 1995
विच आर कन्वर्टेड इन टू शेयर्स। जब कन्वर्ट किया तो साला वैल्यू 85,000 का था, तो ये तो नोशनल तो गेन हुआ ही है, लेकिन बताओ नोशनल गेन तो हुआ ही है, लेकिन क्या टैक्स लगाएंगे क्या? कन्वर्जन को टैक्स लगाएंगे क्या? जी नहीं। टैक्स कब लगाएंगे वो भी बता दो, कब लगाएंगे टैक्स? जब ये मार्केट में क्या बेचेगा, अभी मार्केट में इक्विटी शेयर बेचेगा तब इसको टैक्स लगाएंगे, और जब पूरा टैक्स नहीं लगाएंगे तब डिबेंचर का जो कॉस्ट होगा उसमें से माइनस भी करने देंगे। तो ये सारे 47 की बातें यहाँ पे हो गई। चलो अभी एक वो रिवर्स मॉर्गेज की बात करते हैं, ठीक है, फटाफट 10 मिनट बचे, 10 मिनट में खत्म करता हूँ रिवर्स मॉर्गेज। अपनी इंडिया में एक फैशन निकला था, अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले एक फैशन निकला था कि आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका बेटा थोड़ा भी टैलेंटेड है, आप उसको भेज देते थे फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना। अपन आगे करेंगे, वो आगे अपना पूरा टेबल है, आगे पूरा टेबल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पीरियड ऑफ होल्डिंग का पूरा टेबल है, इसका सुन ले अभी पहले फटाफट, क्योंकि 10 मिनट में मुझे एक सेक्शन खत्म करना है, ठीक है ना। इंडिया में पैटर्न क्या निकला था कि जैसे ही आपको पता चलता था कि आपका बेटा या बेटी टैलेंटेड है तो फटाक से इसका एडमिशन यूएसए, अगर आप गुजराती फैमिली से हो तो कैनेडा, कनाडा, सॉरी कैनेडा नहीं, कनेडा, ठीक है ना, कनेडा में होता था। अगर पंजाबी फैमिली से हो या हरियाणा, हरियाणा से हो या दिल्ली से हो तो आपको कनाडा में भेजा जाता था। अगर आप साउथ इंडिया के हो तो सऊदी, दुबई, यूएई, मतलब इधर किधर तो भेजा जाता था। इतना पक्का है कि देश के बाहर भेज दो, किधर नहीं गए तो आयरलैंड वगैरह जैसे छोटे मोटे देश में तो भेज ही देते थे। आप समझ रहे हो ना, आप इंडिया में रुक गए मतलब आपके माँ बाप को आपने क्या दिखा। मैं बता रहा हूँ, जैसे ही माँ बाप को पता चलता कि आप बड़े टैलेंटेड हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े केपेबल हो, तो आपको इंडिया के बाहर भेज देते हो लोग। आपको नहीं भेजा गया, और वो भी आप साइंस स्टूडेंट भी नहीं हो। अगर तो इंडिया में बचने के बाद भी अगर साइंस स्टूडेंट होते तो मैं ये तो मान लेता कि चलो थोड़ा तो होप अभी भी था, ठीक है ना, आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ तो कराते आपसे, वो भी नहीं किया, तुमको बीकॉम में डाला गया है। मतलब तुम समझते ना, उनको पता है, दे हैव फेथ इन देयर ओन डीएनए, उनको पता है कि ये कुछ नहीं करने वाला। वो तो लकीली तुम सीए करने आ गए हो। वो लकीली सीए करने आ गए हो तुम लोग, ठीक है। तो अच्छे रास्ते पे हो, सीए भी कुछ कम नहीं है, हार्वर्ड के एमबीए से भी हम ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। शुरू शुरू में नहीं कमाते, हमको थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग ग्रो करते हैं लेकिन थोड़ा स्लो करते हैं, ठीक है, इमीडिएटली नहीं है। हाँ, फाइनल तक तो आ ही सके, वो भी बात बराबर है। अब फाइनल निकाल लो, बस उतनी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फाइनल निकाल लो। तो ये जो माँ बाप को बड़ा प्राउड फील होता है ना, नहीं, अभी इनका नाम खराब करते ना, जो इंडिया के बाहर गए, अपने बाप का क्या जा रहा है, बाहर में जो बाहर गए हैं उनका नाम खराब करने का, अपन जो इंडिया में रुके उनका ही नाम अच्छा करने का, ठीक है ना। इनके वजह से ब्रेन ड्रेन हुआ ऐसे बोला जाता था, इनके वजह से क्या हुआ है, ब्रेन, इंडिया का ब्रेन ड्रेन हुआ है। और ये टर्म भी है, हरामखोर लोगों ने ही निकाला है जो बाहर गए हैं। ये क्या बोलते हैं बता, इंडिया में जो इंटेलिजेंट लोग है ना वो इंडिया में नहीं रुकते, वो बाहर चले जाते हैं, तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन हुआ है। तो इंडिया का ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया में सारे डम लोग बच गए, सारे इंटेलिजेंट लोग तो बाहर है, ज्ञानी लोग बाहर चले गए, ऐसा इनका मानना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में ब्रेन गेन चालू हो चुका है, अपन अपना बोलते हैं, है कि नहीं, ब्रेन ड्रेन बाहर में गए, अपन ब्रेन गेन वाले लोग हैं, अपना ब्रेन गेन हो रहा है कि नहीं, रोज अपना नॉलेज बढ़ता है कि नहीं, रोज हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, स्टार्टअप आ रहे हैं कि नहीं, इंडिया में इन्वेंशन हो रहा है कि नहीं है, इंडिया हर सेक्टर में प्रोग्रेस कर रहा है, फिर आर्ट हो, मूवी हो, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट हो। अब देखिए मेडल वगैरह कितने आ रहे हैं अभी इंडिया में, पहले इतने मेडल्स वगैरह नहीं आते थे हमारे पास, हर चीज में ग्रोथ हो रहा है। तो इंडिया अभी ब्रेन गेन के ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, आर यू फीलिंग लकी इनफ दैट यू स्टेड इन इंडिया, क्योंकि हम लोग ब्रेन गेन वाले लोग हैं, हमारे वजह से देश बनने वाला है, बताइए, आर वी असेट टू द नेशन। हाँ, हम लोग असेट है हमारे देश के, अपने को तो अच्छा लगना चाहिए। हाँ, ये जिनको, अरे ये परदेशी लोग थे, इससे भी इनको जाना था तो चले गए। अब माँ बाप को ना, अगर समझो आपके घर में दो बच्चे हैं, एक आप हो जो इंडिया में सीए कर रहे हो और एक है जो यूएसए वगैरह में जाके पढ़ाई कर रहा है, ज्यादा प्राउड इनिशियली किसके ऊपर फील होगा माँ बाप को, जल्दी बताओ, जो यूएसए में है उसके लिए या जो इंडिया में है उसके लिए ज्यादा ज्यादा प्राउड, ऐसा
सबको मादा बेटा है, मेरा बेटा इधर यूएसए में या कनाडा में गया, ऐसा लगेगा ना उनको। तो ये जो यूएसए में गया हुआ बेटा, जब आगे जाके तुम्हारे माँ बाप बूढ़े, तुम्हारे नहीं किसी और के ले लो, ठीक है ना, जब इनके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तुमको लगता है ये लोग रिटर्न आके इनका टेक केयर करने वाले हैं? बोलो, वो तो इंडिया में रुकने वाले का भी गारंटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो है, थोड़े तो चांसेस है। इसका तो पक्का है कि ये इंडिया में रिटर्न नहीं आने वाला, ठीक है ना, इसकी शादी फॉरेन में हो गई, इसके बच्चे फॉरेन में हो गए, इसने बिजनेस फॉरेन में चालू किया, तो ये इंडियन माँ बाप को नहीं देखते। तो ये ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया है, और अभी नया ट्रेंड चालू हो चुका है इंडिया में, माँ बाप को पता चलने के बाद भी कि बेटा इंटेलिजेंट है, बेटी इंटेलिजेंट है, फिर भी वो देश के बाहर नहीं सो नहीं भेजते, अनलेस एंड अनटिल यू आर हेटिंग योर ओन किड्स, कि जाने दो इसको यूएसए में, मेरे को इसका शक्ल नहीं देखने का है, ऐसा भी कुछ कुछ माँ बाप है, ठीक है ना। तो अलग अलग लेवल पे लोग इंडिया के बाहर जा रहे हैं, लेकिन यस नाउ पीपल आर आस्किंग। मैंने भी अभी यहाँ पे लोकल में, मैं तो गांव में हूँ साहब, ठीक है ना, मैं गांव में हूँ, तो यहाँ पे कुछ सच में अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनसे माँ बाप से बातें करता हूँ कि आपने क्यों नहीं भेजा अपने बेटे को फॉरेन में, या मुंबई में, या पुणे में, या बैंगलोर में। बोलते सर क्या ही करना है उधर बाहर भेज के, इधर सब कुछ है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, हमारे साथ रहेगा तो ही अच्छा है। और कोविड में लोगों को ज्यादा रियलाइज हुआ ये चीज कि फैमिली टाइम भी लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड टाइम नहीं होता, ठीक है ना, साथ में रहना बहुत जरूरी होता है, ऐसा कुछ कुछ लोगों की अपने अभी फिलोसॉफी डेवलप हो गई है, अच्छा है वो। लेकिन मान लो कि किसी माँ बाप के बेटे फॉरेन में है और वो इनका टेक केयर नहीं कर रहे, और इनके पास खाली घर बचा है, अभी खाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? बार बार इसको फोन करके तकलीफ देंगे, बोलेंगे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, बाद में तो इसने फोन उठाना भी बंद कर दिया, ठीक है ना। इनके पास घर है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन घर यार ब्रिक्स तोड़ तोड़ के तो खा नहीं सकते, और घर बेच भी नहीं सकते, घर बेचेंगे तो रहेंगे कहाँ पे, तो सेल भी नहीं करना है, घर सेल भी नहीं करना है, ठीक है ना, और खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं है। अच्छा, खाने पीने के लिए पैसे हो भी सकते हैं, लेकिन अभी ये बूढ़ा और बुढ़ी दोनों रिटायर हो चुके हैं, आपको नहीं लग रहा? अभी तो इनको एंजॉय करना चाहिए, टैटू बनाना चाहिए, गोवा पे घूमना चाहिए, बिकनी पे। अरे अभी रिटायर हो चुके हैं यार, 60-70 में है वो लोग अपने, अभी तो उनको एंजॉय करना है, और एंजॉय करने के लिए अभी इनके पैसे नहीं है, उनके पास रुपये नहीं है, और बच्चे फॉरेन में जाके सेटल हो गए, उनको पैसे इतने ट्रांसफर कर नहीं रहे, इनके पास घर बढ़िया अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने एक सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम निकाला, बोला कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज में आपके पास घर रहता है, आप बैंक के पास जाते हो और बैंक के पास ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो, बैंक आपको लमसम में पैसा देता है, और आप बैंक को रिपेमेंट करते रहते हो इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना, इसको मॉर्गेज बोलते हैं। रिवर्स मॉर्गेज में क्या होता है, रिवर्स मॉर्गेज में ये बूढ़ा है बुढ़ी है, ठीक है ना, ये बैंक में चले जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं बैंक में, और बैंक इनको इंस्टॉलमेंट में पैसे देता है। अब ये इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और एनुअली भी हो सकता है, जैसे इनकी डिमांड होगी बुढ़ा बुढ़ी की कि हमको पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो बैंक अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा? कभी ना कभी ये बुढ़ी मर जाएगी, फिर ये बुढ़ा भी मर जाएगा, या पहले बुढ़ा मर जाएगा फिर बुढ़ी मर जाएगी, ठीक है ना, तो सीनियर सिटीजन की कभी ना कभी डेथ हो जाएगी, तो बैंक का आउटस्टैंडिंग कैसे बैंक रिकवर करेगा, जल्दी बताओ, घर बेच के। लेकिन घर बेचेगा नहीं, उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, डेथ होने के बाद तो आएंगे ना, अरे डेथ होने के बाद तो माँ बाप की याद आ ही जाती है रे, कि प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए रहेंगे। तो प्रॉपर्टी में आपको पता है खाली घर ही बचा है यहाँ पे, या जमीन बची है, और आपने पेपर वगैरह ढूंढे तो इनका जो लीगल काउंसिल है, इनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने आपको बताया कि देखिए जी प्रॉपर्टी वगैरह पूरी बैंक में मॉर्गेज है। अब ये लीगल हेयर जाए बैंक में, और वो बैंक बोलेगा कि देखो आपके आपके डैडी का जो प्रॉपर्टी था वो 10 करोड़ का था, हमने अभी तक उनको 3 करोड़ तक का लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट वगैरह ये सब है, इतना भर दो और प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाओ। और अगर आपको प्रॉपर्टी का पेपर लेके नहीं जाना, ये एक अथॉरिटी लेटर है, ये साइन कर दीजिए, हम प्रॉपर्टी हमारे हिसाब से बेच देंगे, आपका बैंक अकाउंट दे दीजिए, जितना हमारा बनता है हम रख लेंगे, बचा हुआ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, आप अगर फॉरेन में हो तो। तो ये ऐसी बातें होती है, तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। तो मुझे आपको अभी इमोशंस डालने, मुझे बताओ जिसके बच्चे इनको देख नहीं रहे, इनके पास खाली घर ही बचा हुआ है, ये घर इन्होंने बैंक में मॉर्गेज किया, जब ये मॉर्गेज किया तब ऑलमोस्ट इनको पता हो था कि अगर इनकी डेथ अगर हो जाएगी तो ये घर ट्रांसफर ही हो गया, अब ये प्रॉपर्टी इनके पास रुकेगी नहीं, अगर ये लोन रिपे नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्टी इनकी है नहीं, तो इसको ट्रांसफर बोल के टैक्स लेना चाहिए क्या? इन बुढ़ा बुढ़ी से आज टैक्स लेना चाहिए क्या, जल्दी बताओ। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में हो रहा है, स्कीम जो है वो फ्रेम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। अरे क्या टैक्स होना चाहिए क्या, मुझको इतना तो बता दो, नहीं होना चाहिए टैक्स, तो इसलिए रिवर्स मॉर्गेज को सेक्शन 47 में डाला गया है। यही बात खाली नहीं,
ये जो बैंक इनको मंथली इंस्टॉलमेंट देगी, मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देगी, मंथली क्वार्टरली एनुअली एन्यूटी जो देगी, पैसे देते रहेगी, ये पैसा भी इनके हाथ में सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, वो भी टैक्स नहीं होता। तो टैक्स कब होगा? जब बैंक ये प्रॉपर्टी बेचेगी, सेल करेगी, तो टैक्स होगा। बैंक बेचेगी या तो इसका लीगल हेयर बेचेगा या खुद ही ये लोग सेल करेंगे, तो एक्चुअल में जब प्रॉपर्टी सेल होगा तो टैक्स होगा, अभी टैक्स नहीं होगा। तो ये दो स्टेजेस पे टैक्स नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे फटाफट मैंने यहाँ पे चार्ट बना के दिया है छोटा सा, यहाँ पे ये सबके छोटे छोटे चार्ट बना के दिए आपको। सीनियर सिटीजन है, कैपिटल असेट है, बैंक को दिया तो मॉर्गेज लगता है, और ये बैंक से यहाँ पे जो पैसे आते हैं इनके पास वो एग्जम्प्ट है 1043 में। जब थर्ड लेवल का ट्रांजेक्शन होगा, एक्चुअल में सेल होगा, तो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चार्ट में मैंने कवर अप किया है। डायरेक्टली आई एम जंपिंग ऑन द क्वेश्चन। एक तो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे गया था बीच में, मैंने छोड़ दिया था, जो अलाइनेशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन द रिवर्स मॉर्गेज अंडर द स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, क्या इसको ट्रांसफर माना जाता है? क्या रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो घर ट्रांसफर किया उसको ट्रांसफर माना जाता है? जी नहीं, इसका अपोजिट है सर, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, 47 में कवर्ड है सर। तो पहला वाला फॉल्स था। चलो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। मिस्टर अभिषेक इज द सीनियर सिटीजन, ये स्कीम जो है खाली सीनियर सिटीजन के लिए ही है। मॉर्गेजेस इज द रेसिडेंशियल हाउस विद द बैंक अंडर अ नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम ही वॉज गेटिंग, पहले तो मॉर्गेज किया रिवर्स मॉर्गेज में, तो ये दिन पे टैक्स लगेगा क्या? जी नहीं, इधर 47 लगेगा। ठीक है ना, तो इस दिन तो टैक्स नहीं लगेगा। ही वॉज गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक ऑन मंथली बेसिस, ये मंथली बेसिस को टैक्स लगेगा क्या? मंथली जो पैसे मिलते उसको टैक्स लगेगा क्या? नहीं, इसको 1043 लगता है। ठीक है ना, ये भी एग्जम्प्ट है। मिस्टर अभिषेक डिड नॉट रिपे द लोन ऑन मैच्योरिटी एंड हेंस गेव द पोजीशन ऑफ द हाउस टू द बैंक टू डिस्चार्ज हिज लोन, हाउ विल द ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बी ऑन सच रिवर्स मॉर्गेज। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि सेक्शन 47 में क्लियरली लिखा गया है कि दिस ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज इज नॉट कंसिडर एज अ ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन, तो इसके हाथ में तो टैक्स लगेगा ही नहीं। ये हो गया 47। फर्दर अंडर सेक्शन 1043 अमाउंट रिसीव्ड बाय द सीनियर सिटीजन एज अ लोन आइदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, देयरफॉर मंथली इंस्टॉलमेंट वुड नॉट बी टैक्सेबल। इज इट क्लियर? ये रिवर्स मॉर्गेज क्लियर हो चुका है, पक्का बताइए। तो यहाँ पे सेक्शन 47 के जो हाईलाइटेड प्रोविजंस है, हाईलाइटेड सारे नहीं, जो हाईलाइटेड प्रोविजंस है जो हमारी बुक में यहाँ पे लिखे हुए थे वो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, बाद में मैंने, हाँ, अमालगमेशन, मर्जर, ये सब के ऊपर मैं ज्यादा बात बाद में करूंगा, डीमर्जर, ठीक है ना, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे, डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी, लेकिन अभी नहीं करेंगे, एक बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करके चैप्टर बना के करेंगे जब कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल सिंपल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह माइनस करेंगे, जैसे नॉर्मल कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। नॉर्मली अगर बेचता तो कैसे होता? वैसे ही सिंपल, ठीक है ना, देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट। मान लो ना बुढ़े अंकल ने बेच दिया तो क्या होता? वैसे ही होता। चलो दैट्स इट फॉर द डे, थोड़ा पढ़ते रहिए साइड बाय साइड, हम आगे भी जाएंगे, आगे जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं कि पीछे का आप छोड़ दो, पूरा भूल जाओ, थोड़ा रिवाइज भी क्या करो, नोट्स बनाया करो, इसकी सॉफ्ट कॉपी लेके, अभी कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक तो आपको लिखना ही है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक क्या, इसके आगे का भी मैंने लिख के दिया आपको, ये सब आप अभी लिख सकते हो। एक्चुअली यहां तक कॉन्सेप्ट नंबर 8 तक का आप सब कुछ लिख सकते हो। तो पहले 7 पेजेस आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, फर्स्ट 7 पेजेस आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। इज इट क्लियर? क्या क्या लिखना है वो भी क्लियर हो गया? संडे का लेक्चर का अभी पता नहीं है, सर बताएंगे तो पता चलेगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 8 के आगे हमें पढ़ना चालू करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गो टू द ऑफिस, डू योर वर्क प्रॉपरली, कीप योर प्रिंसिपल हैप्पी, बाय।